जो लिंक है ना उस पर प्रेस करोगे अपने आप आ जाएगा। आप सभी का आज की इस परिचर्चा में हार्दिक अरे आप स्वागत है, बताइए, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, आप अपने को म्यूट कर लेंगे कि? डॉक्टर अविनाश जी, अरे मेरा मोबाइल से आज काम हो रहा है इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं इसमें आ रहा है, लगता है ओके ओके, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। आप कर दीजिए क्योंकि मैं परेशानी में हूं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब। आपकी तस्वीर भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ सर, अब दिखाई देगी, आप 1 मिनट रुकें। नहीं है तो दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो कई बार सिग्नल्स ठीक ना होने से कई बार वो कनेक्शन ठीक नहीं बैठता। तो आज की इस परिचर्चा को हम आरंभ करते हैं। समय भी हो गया है और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो सभी जुड़ चुके हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी, बिहार से, जो बुद्धिज्म के प्रोफेसर हैं, वो जुड़े हैं। साथ में हमारे साथ सुनील राजानक जी, जो एडिटर हैं नाद के, और कश्मीर शैविज्म की बहुत सारी संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अन्य जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर सी के झा जी और अन्य सभी लोग, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, और दो कारणों से आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। एक तो जैसे कि हमारा विषय ही है, उसके अनुसार शैवाचार्य क्षेमराज जी की आज जयंती है, उन पे हम चर्चा करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए और उनकी शब्दावलियों से परिचित होने के लिए, उनकी अवधारणाओं से एक बार सीधा सीधा बातचीत करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। और दूसरा आज जो महत्वपूर्ण दिन है वो श्री गुरु नानक देव जी का भी आज जन्म दिवस है, जयंती है। तो इन दो कारणों से आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सेमिनार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व कि मैं इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करूं और आज के मुख्य वक्ताओं से आप लोगों का परिचय कराऊं, उससे पूर्व मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री सुनील रैना राजानक जी का, क्योंकि उन्होंने ही ये मुझे स्मरण दिलाया था कि आज 30 नवंबर को क्षेमराज जी की जयंती है। हालांकि शुरू में ऐसा विचार मेरा नहीं था, लेकिन वो एक उत्साह बन जाता है, क्योंकि कश्मीर की जो भाषा है वो है ही उत्साह और प्रकाश की भाषा। तो वो एक अपने भीतर, जैसे ही आप उन शब्दों से परिचित होते हैं तो अपने आप ही एक सहज उत्साह आ जाता है। और मुझे भी ये लगा कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के वेबिनार या सेमिनार जब हम करते हैं तो उसका पीछे लक्ष्य यही होता है कि हमारे मनों के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर जो समय की, प्रमाद की, आलस्य की, या ये भाव की हमें पता ही है, इस तरह का जो एक राख सी जम जाती है हमारे ऊपर, एक आवरण सा आ जाता है, उसका निराकरण करते हुए, उसका संस्कार करने के लिए ये वेबिनार और सेमिनार्स आवश्यक है। तो इस दृष्टि से कि कई शब्दों से हम परिचित होते हैं लेकिन हमें अर्थ ही नहीं पता होते, अर्थ पता होते हैं तो उनके संदर्भ स्पष्ट नहीं होते, तो इस तरह की बहुत सारी बातों को समझने और सोचने के लिए ये वेबिनार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके लिए यही एक तरीका होता है कि हम विद्वानों को आमंत्रित करें और उनसे निवेदन करें कि वो हमारे लिए हमारे प्रश्नों को भी स्पष्ट करें, उनके उत्तरों को दिशा भी दें। तो इस दृष्टि से ये वेबिनार बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि विषय आप लोगों ने देखा है कि 21वीं शताब्दी में कश्मीरी शैवाचार्य क्षेमराज जी की शब्दावली और अवधारणाओं का निष्कूटन, ये निष्कूटन बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। सामान्य रूप से हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि शब्द आपको जरूर पता होते हैं और संभवतः आपको डिक्शनरी मीनिंग भी उनके पता हो, लेकिन उससे पर्याप्त
उस शब्द का संदर्भ नहीं हमें स्पष्ट होता, हमें उसका प्रयोग करना नहीं आता, और वो उसका कारण ये रहता है कि हम जिस शताब्दी में रह रहे हैं, जिस संदर्भ में हम जी रहे हैं, और ये शब्द जब से चल करके आ रहे हैं, दोनों का तालमेल हम बिठा नहीं पाते, चाहे अपनी अयोग्यता के कारण या अपने प्रमाद के कारण। तो इसलिए ये निष्कूटन शब्द उस अर्थ में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ये शब्द जो हमें पिछले लगभग 1500 साल 2000 साल से मिले हुए हैं, इन शब्दों को हम खोलें, समझें और विद्वानों के निकट बैठ करके, यही उपनिषद है कि उन विद्वानों के निकट बैठ करके हम उनसे ये जानने का प्रयास करें कि हमें पहले तो इन्हीं शब्दों के, इन्हीं अवधारणाओं के अर्थों को समझा दें, बाकी तो फिर हम धीरे धीरे उनको सबको देखते रहेंगे, फिर आगे के कदम हम अलग से चलेंगे। तो आज के इस संदर्भ में, जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था, कि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जब आप देखेंगे तो दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर देखिए, तो आपको दो दिखाई देते हैं, एक और है कि एवं मया श्रुतम और एक और लिखा हुआ है एवं मया दृष्टम ब्लू कलर में। इन दो पंक्तियों का, संस्कृत की नितांत छोटी ये वाक्य है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है और काश्मीर शैव दर्शन की दृष्टि से विशेष रूप से, क्योंकि जब आप उसके दर्शन क्षेत्र में अग्रसर होंगे तो वहां ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। वहां पर ये अर्थ ये देते हैं कि आप ज्ञान दो ही तरह से अर्जित करते हैं, एक या तो सुनते हैं, जैसे परंपरा से हमारी हम सुनते आ रहे हैं, और किस दृष्टि से सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये एवं शब्द आप यहां देख सकते हैं। ये एवं का बहुत साभिप्राय प्रयोग है कि किस दृष्टि से आपने सुना है। तो और दूसरी ओर जो आप ये नीचे देख रहे हैं उसमें आप ये देख रहे हैं एवं मया दृष्टम, और दूसरा ज्ञान अर्जन करने का तरीका क्या है, जो कुछ आपने इंद्रियों से देखा जाना, प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ आप जान रहे हैं उससे। तो जो श्रुतम और दृष्टम है, दोनों में एक तरह की अपनी तरह की कंडीशनिंग होती है जो एवं शब्द बताता है। अब इसी के बीच में आप देखिए हमारे पास तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एवं मया ज्ञातम। आप जो कुछ जानते हैं वो बड़ा कंडीशनल होता है, वो संपूर्णता में नहीं होता, वो 360 डिग्रीज में नहीं होता क्या। तो इसलिए ये जो ज्ञान की बात है, जो आपने श्रुति से अर्जित किया है और दृष्टता से अर्जित किया है, वो अपनी तरह की कंडीशनिंग के साथ आप उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अब इस दृष्टि से जब आप ये बीच में जो चित्र देख रहे हैं, ये भी कल ही मुझे उपलब्ध हुआ है व्हाट्सएप पे, और हमारे कश्मीरी भाइयों ने ये चित्र जो है कल ही रिलीज किया है। मुझे नाम नहीं ध्यान है कि इनके रचयिता कौन है, निर्माण किन्होंने किया है, लेकिन जिन्होंने भी किया है बहुत सुंदर और बड़ा सुखद ये चित्र है, तो उसी का उपयोग करते हुए, तो इस दृष्टि से एवं मया ज्ञातम में हम श्री राजानक जी को हम क्षेमराज जी को कैसे जानते हैं, किस दृष्टि से जानते हैं। तो मुझे जो पुराना संस्कार है, क्योंकि अब पढ़ने का उतना समय नहीं मिला और जानने का भी, तो लेकिन दो बातें उनके संदर्भ में मुझे स्पष्ट थी जो मेरी जानकारी में है, जिसको मैं चाहूंगा कि हमारे विद्वान वक्ता जो हैं उसको उसके ऊपर अधिक स्पष्टता से हमें बोध कराएं। एक तो उनकी प्रातिप दृष्टि क्या रही है, ये बात मैंने पिछली बार भी आप लोगों से साझी की थी कि जब दृष्टि और दर्शन के ऊपर हमने बात की थी कि दृष्टि अलग है और दर्शन अलग होता है। दृष्टि है कि आप किस नजरिए से देखते हैं और आप सारे विश्व को या बाकी सब चीजों को कैसे आप देखते हैं, वो आपकी अपनी दृष्टि है। और उसमें भी विशेष रूप से जब आपकी प्रातिप दृष्टि होती है, क्षेमराज जी जैसे या अभिनव गुप्त के जो शिष्य हैं, उनके पास एक प्रातिप दृष्टि होती है जिससे वो सारे विश्व को, ब्रह्मांड को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। दूसरा है उनका दर्शन, और ये बात मैंने पिछली बार भी की थी कि दर्शन भी दो अर्थों में हम लोग प्रयोग करते हैं। एक दर्शन जो हम फिलॉसफी के संदर्भ में प्रयोग करते हैं टेक्निकल टर्म के रूप में,
और दूसरा उसे सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में प्रयोग करते हैं, जहां आप किसी देवता का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का दर्शन करने जाते हैं। तो वहां दर्शन अलग हो जाता है और यहाँ दर्शन टेक्निकली दो अर्थों में हमारे सामने आता है, जहां पर क्षेम राज्य का मुझे लगता है कि अधिक बल है। एक और वो प्रतिज्ञा पर अधिक बल दे रहे हैं और दूसरी तरफ स्पंद को वो ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रातिप दृष्टि और दर्शन, तो इन दो चीजों को आज हम, इन दो पक्षों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी शब्दावली और कौन सी अवधारणाओं के साथ क्षेम राज्य ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया है। बात को अग्रसर करने से पहले कि हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि विद्वानों से अक्सर हम प्रश्न करते हैं जानने के लिए, समझने के लिए, अपने ऊपर प्रमाद की, जो ज्ञान के संदर्भ में जो प्रमाद आता है उसकी मिट्टी झाड़ने के लिए हम विद्वानों से प्रश्न करते हैं, लेकिन मेरी उत्सुकता उतने से ही शांत नहीं होती। मेरा फिर भी, मुझे ये लगता है कि मैं भी शैवाचार्य क्षेमराज जी से ये एक प्रश्न करूं सीधे सीधे, अगर वो हमें उत्तर दें, सहायता तो निश्चित रूप से हमारे वक्ता और बाकी आप विद्वान लोग करेंगे। ये जो सामने सारे चित्र आप देख रहे हैं, इन चित्रों को देख करके और जो कुछ कश्मीर शैविज्म में आप लोग देखते हैं, दोनों के तालमेल को के संदर्भ में इन प्रश्नों को आप देखिए। इनमें से कौन सा शिव नहीं है? और आख्यान प्रधान शिव, मैं मिथकीय शिव शब्द प्रयोग नहीं कर रहा पौराणिक संदर्भों में, हालांकि हम माइथोलॉजी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आख्यान प्रधान शिव और दर्शन प्रधान शिव, दोनों एक ही हैं या दोनों में कौन सा सत्य है और कौन सा भ्रम? यदि दोनों सत्य हैं तो दोनों का समन्वय कैसे है? या सत्य दो स्वीकार करें कि यह भी सत्य है और वह भी सत्य है? तो इस अर्थ में इन प्रश्नों को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम में से सामान्य रूप से जो भी अपने को भारतीय कहता है, समझता है, उसके पास एक और दर्शन पक्ष भी है जिसमें वो चित्र रूप है, प्रकाश रूप है, संबित रूप शिव है, और दूसरी तरफ ये घर गृहस्थी वाले नृत्य करते हुए लास्य नृत्य, ये नृत्य करते हुए नटराज वाला, और ये जो आप बाकी अन्य भी रूप देख सकते हैं, समाधि वाले रूप, ये सारे के सारे अर्धनारीश्वर रूप, तो ये सारे के सारे, इन सब हम किस तरह से क्षेम राज्य के प्रतिभिज्ञा हृदय और बाकी जो उनके स्पंद संदो आदि ग्रंथ हैं उनके संदर्भ में इन दोनों को कैसे इनमें तालमेल बिठाएं। अब आप थोड़ा सा और अग्रसर होते हैं, ताकि उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा प्रथम मुख्य वक्ता प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी को। ये हम पहले ही कराए हैं कि उनके, मेरी जानकारी में स्पंद और प्रतिभिज्ञा सिद्धांत दो उनके पक्ष हैं, दो पंख हैं क्षेमराज जी के, हो सकता है इससे अधिक भी हो क्योंकि मेरा उतना पढ़ना तो नहीं हो पाता, लेकिन जो वो शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसमें प्रकाश शिव, विमर्श मलतय, प्रमाता आभास, ये सभी इन शब्दों से आप परिचित हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इनके ऊपर आप विचार करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इन शब्दों के तीन पक्ष आपको दिखाई देते हैं, और विशेष रूप से ये जो प्रकाश शब्द है और चिति शब्द है, विमर्श शब्द है, इनके, इनका तो बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है सारे के सारे कश्मीर शैविज्म में। इसमें से जो पार्थिव पक्ष का अर्थ है, ये जो शब्दावली या अवधारणा है, जो भी आप इसको कहना चाहें, पार्थिव पक्ष का मतलब है कि आप उसको दैनंदिन जीवन में किस तरह से प्रयोग करते हैं, अपने रसोई घर से लेकर के अपने बिजनेस और बाकी सब चीजों के बीच में इन शब्दों को किस रूप में प्रयोग करते हैं, और ये किस तरह से आपको, आपके जो सामाजिक व्यवहार हैं, आर्थिक व्यवहार हैं, उनमें कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा जो आपको शाश्वत पक्ष है इन्हीं शब्दों का, इन्हीं अवधारणाओं का, वो है कि ये शब्द अपने साथ या ये अवधारणा अपने साथ कौन कौन से विचारों को साथ लेकर के आज तक चला रहा है। 21वीं शताब्दी तक अगर ये प्रकाश शब्द है जो वेदों से आरंभ हुआ, कश्मीर से होता हुआ,
आज 21वीं शताब्दी में हमारे साथ कौन कौन से आयामों को लेकर के आया है, ये चीज भी हमें देखना होगा। और ये केवल 21वीं शताब्दी तक रुकने वाले शब्द नहीं है, ये आगे 22वीं शताब्दी और 23वीं शताब्दी में भी जाने वाले हैं। तो शाश्वत इस अर्थ में ये कुछ जड़ता नहीं है, ये एक निरंतर चलायमान यात्रा है शब्द की। और तीसरा जो चिन्मय पक्ष है इन्हीं अवधारणों और शब्दों का, वो है कि ये कौन से मूल्यों को स्थापित करते हैं। जब आप प्रकाश शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से मूल्यों को स्थापित कर रहे हैं? जब आप शिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल आप एक कल्याण के अर्थ में शिव का प्रयोग कर रहे हैं, या केवल आप उसके एक मंगलमय रूप को, चित्तमय रूप को, कौन से रूप को आप बोधित कर रहे हैं, तो कौन से मूल्यों को आप ले रहे हैं? तो इसी तरह से बाकी सारे स्वतंत्रता, चिति, आनंद, ये सारे शब्द जो हैं ये मूल्यों को बताते हैं, लेकिन हम उन मूल्यों को कौन सा समझते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी ओर से तो ये कुछ एक प्रश्न थे जिनके ऊपर मैडम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं परिचय कराना चाहूंगा आज के दोनों मुख्य वक्ताओं से। हालांकि आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन मैं इस बात का सुख भी लेना चाहता हूं कि मैं दोनों विद्वान वक्ताओं के बारे में बता करके, उनके बारे में आप लोगों को उनसे परिचित करा करके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोनों की विद्वत्ता और स्पष्टता, वैचारिक स्पष्टता, आप शब्दों का चयन, और जो एक हमारे भीतर रहने वाले अवरोध हैं उनको वो किस तरह से दूर करने में समर्थ हैं, इसलिए मैं ये परिचय उनका संक्षेप में आप लोगों से कराना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर वीना अग्रवाल जी जो हेड रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, उन्होंने अपना सारा जीवन जो है काश्मीर शैविज्म के ऊपर लगा दिया है, और उसमें तंत्रालोक के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक काम किया है। उसमें कुछ पढ़ने का भी मौका मिला है उनके ग्रंथों को और कुछ पेपर्स को भी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी पीएचडीज भी की हैं, और निरंतर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी वो कश्मीर शैविज्म को जानने, सोचने, समझने के लिए और उसका उन्मीलन करने में निरंतर अग्रसर हैं। दूसरे हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी, जो प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में रहे हैं। उनका अपना दृष्टिकोण ही बहुत व्यापक है, और सभी प्रकार के जो संस्कृत से संबंधित विषय हो सकते हैं उनमें उनकी सिद्धता है, ये बात आप सभी लोग परिचित ही हैं इस विषय से, और विषय की प्रस्तुति उनकी अपनी तरह की होती है जिसमें सर्वसमाहित रूप हमें जो है ज्ञान के देखने को मिलते हैं। तो दोनों विद्वान वक्ताओं से आज हम अगले लगभग एक घंटे में जो बातें सुनेंगे और फिर उस पर चर्चा, प्रश्नोत्तर जो भी इच्छा होगी वो हम करेंगे। और इससे पूर्व कि मैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर वीना अग्रवाल जी को आमंत्रित करूं, एक अंतिम जो बात है कि आज जैसा कि शुरू में ही कहा था कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, हम उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उनके जो एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है जो मुझे लगता है वहां से आज की हम चर्चा आरंभ कर लेते हैं। और जो जपजी साहब में हमें देखने को मिलती है एक एक ओंकार, सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, आदि सच जगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सुंदर मंत्र हमें दे दिया है सारी मनुष्यता के लिए, और बहुत ही सरल और सुखद ये मंत्र है। तो आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके साथ ही हम आज की चर्चा की ओर अग्रसर होते हैं कि 21वीं शताब्दी में शैवाचार्य क्षेमराज जी की शब्दावली और अवधारणाओं का निष्कूटन। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चर्चा आरंभ करने के लिए डॉक्टर वीना, प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी को, कि वो हमारे साथ अपनी बात आरंभ करें। सभी को नमस्कार। आशुतोष जी धन्यवाद। लेकिन आपने जो परिचय करवाया उसमें आपने गुरुजी प्रोफेसर अंगिरस जी के साथ मुझे रख दिया। मैं उनकी शिष्या हूँ और बहुत उनके
उनसे सीखती रही हूँ लगातार, और मेरी कोशिश रही कि मैं कुछ बता सकूं। और वाकई आज ये प्रकाश पर्व जो गुरु नानक जी का आपने मंगलाचरण पढ़ा, उसमें भी प्रकाश की बात है, एक सच के एक सत्य की बात है। सभी दर्शन सभी धर्म भी एक ही सत्य को स्वीकार करते हैं। ये बात अलग है कि लौकिक स्तर पर हम उसमें बहुत गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। और क्षेमराज जी जो हैं, क्षेमराज जी के बारे में परसों प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी का जितना विस्तृत व्याख्यान था, जिन लोगों ने नहीं सुना हो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अब भी सुन लें। उसके बाद बोलने में मुझे और भी शंका आ रही है, लेकिन ये अच्छा है कि आपने इसे भाषा शब्दावली और दर्शन पर केंद्रित कर दिया है। तो कुछ भाषा की बात करेंगे, कुछ शब्दावली की बात करेंगे। और जैसा कि सर ने कहा था, रस्तोगी सर ने, कि क्षेमराज जी पर जैसे कई बड़े प्रकाश स्तंभ होते हैं, या बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं उग पाता। तो हम जब शैवाचार्यों की बात करते हैं तो उत्पलाचार्य और अभिनव गुप्त रह जाते हैं। क्षेमराज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करने की हम कोशिश भी नहीं करते। उनके अपने ग्रंथ हैं और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, अलग अलग शाखाओं पे लिखा है। उनकी सब रचनाएं जो हैं, प्रत्यभिज्ञा हृदयम, परा प्रावेशिका, तत्व संदोह, और इनमें भी परा प्रावेशिका और तत्व संदोह बहुत छोटी छोटी सी रचना सिद्धांतों की जानकारी देने वाली है। और प्रत्यभिज्ञा हृदयम तो ऐसी रचना है जो संपूर्ण काश्मीर शैव दर्शन को एक साथ सरल रूप में प्रस्तुत कर देता है, और वेदांत सार के समान है, ये मैं अभी बताऊंगी आगे। और इन्होंने टीका ग्रंथ जो लिखे हैं, स्पंद संदोह, स्पंद निर्णय, जो स्पंद तत्व की व्याख्या बहुत अच्छे से कर देते हैं। स्पंद तत्व को समझाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इन्होंने तंत्र ग्रंथों की टीकाएं की हैं, स्वच्छंद तंत्र पे, नेत्र तंत्र पे, विज्ञान भैरव पे, उद्योत नामक, सब टीकाओं का नाम इन्होंने उद्योत ही रखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्तोत्र ग्रंथों पर अपने गुरु जो हैं प्रगुरु उत्पलाचार्य की शिव सूत्र पर टीक इन्होंने शिव सूत्र पर शिव सूत्र विमर्शिनी लिखी है, और स्तव चिंतामणि और शिव स्तोत्रावली पर अपनी टीकाएं लिखी हैं, उनको भी विमर्शिनी नाम दिया है। तो इनकी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों के इन्होंने ले लिया है। इन्होंने दर्शन का क्षेत्र लिया है, दर्शन की व्याख्या अच्छे से की है, और अन्य आचार्यों की टीकाओं में भी अपने मौलिक धारणाएं अवधारणाएं स्पष्ट की है। ऐसा नहीं है कि टीका है तो केवल गुरु की ही बात को स्पष्ट कर रहे हैं, ये सब बात मैं आगे कहूंगी। एक बात जो इनकी भाषा के बारे में मुझे अच्छी लगी, जयदेव सिंह जी ने जो कहा है, उनकी भाषा के बारे में ही खासतौर पर टिप्पणी है, इसलिए मैं उद्धृत करना चाहूंगी। ही इज फॉन्ड ऑफ सेस्कापीडिलियन, सेस्कापीडिलियन यानी आलीशान कंपाउंड्स, लॉन्ग एंड विंडी सेंटेंसेस, बट ही इज वेरी प्रोफाउंड इन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सो कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इनके जो शब्दावली है उसमें सुंदर सुंदर बड़े बड़े समास भी आते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन शब्दावली बहुत स्पष्टता के साथ भी होती है। ये सब अभी हम देखेंगे। जैसे एक समास का मुझे एक उदाहरण मिला था, अच्छा लगा था। इत्यलम सुकुमार हृदयोपदेश्य जन वैरस्य दायिनी भी आभी कथा भी, ये पूरा एक शब्द है कथा भी को छोड़कर। सुकुमार हृदयोपदेश्य जन वैरस्य दायिनी, हम अगर ज्यादा कथाएं करने लगे कई बार तो ऐसा लगता है कि जो सरल मति है उनका मन हटने लगता है। बहुत विस्तार में जाए कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लोगों को मुख्य बात समझ में नहीं आती। और तो ये बात इन्होंने बड़े सरल तरीके से और बड़े सुंदर समास के द्वारा ये कह दी है। और दूसरी बात, जब ये प्रत्यभिज्ञा हृदय लिख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शुरू में उस पर ये स्वयं ही टीका भी कर रहे हैं, सूत्र रूप में जो कारिकाएं दे रहे हैं। बहुत छोटे छोटे कम कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत सरल शब्दों में इन्होंने कैसे स्पष्ट किया है, मैं अभी बताती हूँ। तो जब ये अधिकारी की बात कर रहे हैं, इसमें शुरू में ही ये बात कह रहे हैं कि किन लोगों के लिए ये प्रत्यभिज्ञा हृदय है। इह ये सुकुमार मतयो अकृत तीक्ष्ण तर्क शास्त्र परिश्रमा, जो सरल बुद्धि वाले हैं और जो तर्क शास्त्र आदि बड़े बड़े ग्रंथों को जो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, शक्तिपातोन्मिषित पारमेश्वर समावेशाभिलाषिणः, जिन पर परमेश्वर का शक्तिपात हुआ है, गुरु कृपा हुई है, किसी शब्द किसी शास्त्र को
पढ़ने की उत्सुकता कब जागृत होती है? कभी हमें उसके बारे में कुछ पता चलता है किसी तरह से, या हम उस शास्त्र को पढ़ने की मानसिक योग्यता हासिल कर पाते हैं, तो वह शक्तिपात के रूप में हमारे पास होता है। तो शक्तिपात से जिनका उन्मेष हुआ है और जो परमेश्वर समावेश के अभिलाषी है, और इन्होंने इसमें ये बात कह दी है, शक्तिपात मैं जब भक्ति के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि इनमें अन्योन्याश्रितता है। ये एक दूसरे पर, शक्तिपात होगा तब भक्ति होगी, भक्ति होगी तब शक्तिपात होगा, ऐसी बातें अनेक बात। तो कतिचित भक्ति भाजः, कोई भक्ति से संपन्न लोग जो हैं, तेषां ईश्वर प्रत्यभिज्ञोपदेश तत्त्वं मना प्रतिलभ्यते। ये इनकी बहुत सौम्य व्यक्तित्व है इनका, कि ये कहते हैं कि उन लोगों के लिए मैं ईश्वर प्रत्यभिज्ञा का उपदेश कर रहा हूं और मना थोड़ा सा कुछ उन्मीलन कर पा रहा हूँ। मैं किसी तरह से उपदेश दे रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको प्रकट करने का। तो ये बहुत सुंदर है, इनकी भाषा की सरलता, अभिव्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को भी प्रकट करने वाले ये शब्दावली है। और देखिए, जो प्रतिभिज्ञ हृदय पूरा है, उसके दो चार सूत्र ही ऐसे हैं। मतलब अगर हम कुछ सूत्रों को ही लें, मैंने कुछ सूत्र ही लिए हैं, और मुझे लगता है इसमें संपूर्ण काश्मीर शैवेज आ जाता है। उसको मूल रूप में समझे तो एक साइक्लिक मूवमेंट भी दिखाई देता है, एक पूरी चक्राकारता दिखाई देती है, जिससे कि वह चक्र चिति से शुरू होता है, चैतन्य तक आता है, वापस लौकिक चैतन्य तक आता है और वापस चिति में समाहित हो जाता है। जब ये चित्त कहते हैं, जब इन्होंने ये कहा चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, चिति चैतन्य जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, संपूर्ण जो चिति है वह स्वतंत्र रूप से नहीं है और वह विश्व की सिद्धि के लिए है। तो विश्व के लिए बताते हैं, सदाशिव से लेकर भूमि पर्यंत जितना है और उसके बाद जितना नाना वैचित्र्यात्मक जगत है, उस सब वह संपूर्ण विश्व के अंतर्गत आ जाता है। और सिद्धि शब्द से, सिद्धि पद से ये बताते हैं कि यह सृष्टि स्थिति संहार आदि जो कृत्य हैं, ये सारे कृत्य सिद्धि के अंतर्गत हैं। स्वतंत्र अनुत्तर विमर्शमयी शिव भट्टारका विभिन्ना, स्वतंत्र कह रहे हैं, शिव भट्टारक को अलग नहीं कर रहे हैं। ये स्वतंत्र का मतलब ये है कि वह शिव भट्टारक से अभिन्न है और अनुत्तर विमर्श से युक्त है, वही प्रकाश और विमर्श का समावेश है यहाँ। और हेतु, हेतु के लिए ये कहते हैं, जगत का उन्मेष और निमेष दोनों का कारण यही है, इसीलिए इसे हेतु कहा है। तो यह स्वतंत्र चिति संपूर्ण विश्व की सिद्धि की हेतु बनती है, इसीलिए इसके बारे में संस्कृत में कहते हैं, अन्यस्य तु माया प्रकृत्यादे चित् प्रकाश भिन्नस्य अप्रकाशमानत्वेन असत्वात्। अन्य किसी, कोई भी विश्व की सिद्धि के लिए, विश्व के स्थिति के लिए या संहार के लिए जिम्मेदार नहीं है, हेतु नहीं है, कारण नहीं है, क्योंकि जो माया प्रकृति आदि जो अन्य दर्शन जिसके द्वारा सृष्टि की व्याख्या करते हैं, वे सब चित प्रकाश भिन्नस्य, चित प्रकाश चैतन्य के प्रकाश से भिन्न होने के लिए के कारण, और इसीलिए वह अप्रकाश है, वे स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं वे किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए वे अप्रकाश हैं और उनकी सत्ता भी त्रिकाला बाधित नहीं है, इसलिए न क्वचित अपि हेतुत्वम, उन्हें हेतु माना नहीं जा सकता विश्व के लिए, सृष्टि के लिए। प्रकाशमानत्वे तु, जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाशमान है वह, तो प्रकाशमानत्वे प्रकाश एकात्म्यात् प्रकाश रूपा चितिरेव हेतु। भाषा सरल और स्पष्ट है, भाषा की स्पष्टता से आसानी से समझ में आता है कि प्रकाश से एकात्म्य होने के कारण प्रकाश रूप चिति ही हेतु है। और यहाँ एक ये बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कहते हैं कि यह चिति जो है, इसको साबित करने की, प्रमाणित करने की अगर कोई बात कहे कि इसे प्रमाणित करो, तो इसे कैसे प्रमाणित किया जाए? सारे प्रमाण जो हैं वह चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, और जो चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित है उसे कैसे प्रकाशित किया जाए? जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य उदित हुआ है या नहीं, उसके लिए हम दीपक ले जाकर, टॉर्च ले जाकर नहीं देखते, सूर्य का प्रकाश अपने आप में प्रकाशित है। दीपक में प्रकाश जो है वह सूर्य के प्रकाश से ही आता है, और इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है कि
ततो अस्या स्वतंत्र अपरिचिन्न स्वप्रकाश रूपाया सिद्धौ अभिनवार्थ प्रकाशन रूपम न प्रमाण वराकम उपयुक्तम उपपन्नम वा। इस स्वतंत्र और अपरिचिन्न स्वप्रकाश रूप सिद्धि जो स्वयं प्रकाश है, सूर्य है, जो उदित हो रहा है, या जैसे चैतन्य है, हम स्वयं है, जैसे डेकार्ट ने कह दिया कोगिटो अर्गो सम, तो हम हमारे होने में हम स्वयं प्रमाण है। कोई दूसरे से हम कहें कि तू हमें बता कि हम हैं या नहीं, तो वह कैसे संभव होगा, वह कैसे होगा। इसीलिए इन्होंने कहा अभिनव अर्थ प्रकाशन रूपम, वह कोई नया अर्थ नहीं है, हमारे होने को कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए प्रमाण के साथ इन्होंने वराकम शब्द का प्रयोग किया है। प्रमाण बेचारा कहाँ समर्थ है या संभव है, और ये अभिव्यक्ति इन्हें इतनी अच्छी लगी, इन्हें इतनी उपयुक्त लगी कि इन्होंने शिव सूत्र विमर्शिनी और प्रत्यभिज्ञा हृदयम में भी इसी इसी तरह से इनका प्रयोग किया है। और पराप्रावेशिका में भी उन्होंने कहा है किम च प्रमाणम अपि यम आश्रित्य प्रमाणम भवति तस्य प्रमाणस्य तदधीन शरीर प्राण नील सुखादि वेद्यम चातिशय्य सदा भासमानस्य वेदे एकक रूपस्य सर्व प्रतिम प्रमिति भाज सिद्धौ। जो सभी प्रमाणों का, प्रमेयों का, ज्ञानों की सिद्धि के लिए समर्थ है स्वयं प्रकाश, उसके लिए, उसकी सिद्धि के लिए अभिनवार्थ प्रकाशस्य प्रमाण वराकस्य कश्च उपयोग। नए नए अर्थों का प्रमाण प्रकाशित करने वाला जो बहुत स्थूल है, उस ऐसे अर्थों को प्रमाणित करने वाले प्रमाण राग जो चारा प्रमाण है उसका उपयोग कहाँ है। तो ये इन्होंने कई जगह यह अभिव्यक्ति दी है, यह बताया है कि प्रमाण जो है उसको वह स्वयं प्रकाश नहीं है, वह चैतन्य के प्रकाश से, स्वतंत्र चिति के प्रकाश से प्रकाशित है, तो चिति को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है ये बात। और चिति स्वयं जो है वह संपूर्ण विश्व को सिद्ध कर सकती है, और संपूर्ण विश्व को सिद्ध करने के लिए भी इनके दो एक सूत्र ही बहुत पर्याप्त हैं। जो इनका यह सूत्र है, चितिरेव चेतन पदाद अवरूढ़ा चैत्य संकोचिनी चित्तम, वह चिति ही अपनी इच्छा से जब अपने उच्च पद से नीचे उतरती है, चेतन पदाद अवरूढ़ा नीचे उतरकर चैत्य संकोचिनी, वह अपने चित्त को, अपने चैतन्य को ही संकुचित कर लेती है। षटकंचुक की बात, षटकंचुक को भी इन्होंने बहुत सरल शब्दावली में समझाया है। उन षटकंचुकों से यहाँ जब अपने आप को, चैत्य को संकोचित कर लेती है, तो वह चित्त कहलाती है, जो व्यष्टिगत चित्त है, जो हम लोगों का लौकिक चित्त है, और जो हमारा व्यक्ति के रूप में हम जिसे जानते हैं, वह सब चित्त के अंतर्गत है। और वह यही बात इन्होंने अगले सूत्र में, ये पांचवा सूत्र है उसके बाद ये जो माया छठा है, माया प्रमातुः स्वरूपम् तन्मयो माया प्रमाता। माया प्रमाता जो हम लोग हैं, हम सब माया प्रमाता हैं, तो यह जो चित्त है यह माया प्रमाता का स्वरूप है और उससे ही माया प्रमाता है। और इसकी व्याख्या में, इसकी टीका में इन्होंने शिव सूत्र को भी उद्धृत किया है। शिव सूत्र में देखिए वो जो बात आशुतोष जी ने शुरुआत में कही थी कि जो शब्दावली है उसका एक पार्थिव स्वरूप होता है और एक शाश्वत स्वरूप होता है और एक चिन्मय स्वरूप होता है, इसी तरह से शब्दावली का जो स्वरूप है, जब चैतन्य आत्मा कहा गया और दूसरी तरफ चित्तम आत्मा कहा गया, आत्मा शब्द दोनों जगह है लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, तो वह पार्थिव अर्थ कब है और कब वह संदर्भ से ही समझा जा सकता है कि कब उसका अलौकिक अर्थ लेना है। चैतन्य आत्मा, आत्मा चैतन्य है, यानी यहाँ सार्वजन समष्टि आत्मा की बात कही गई है। समष्टि आत्मा जो है, चैतन्य ही समष्टि आत्मा है। और जब वे चित्तम आत्मा कहते हैं तो वे व्यष्टि आत्मा की बात करते हैं, माया प्रमाता की बात करते हैं। और तो विमर्शिनी में इन्होंने कहा है, शिव सूत्र विमर्शनी इन्हीं की लिखी हुई है, यतः चैतन्य विश्वस्य स्वभाव तत एव तत् साधनाय प्रमाणादि वराकम अनुपयुक्तम। यहाँ पे भी ये बात कह रहे हैं कि प्रमाणादि वराकम। और दूसरी बात ये कहते हैं, यदेतत् चैतन्य मुक्तम स एव आत्मा, आत्मा का अर्थ ये यहाँ स्वभाव कर रहे हैं, स्वभाव अपने होने का, अपना स्वरूप जो है विश्वस्य जगतः, यह चैतन्य जो है न केवल परम चैतन्य का स्वभाव है और यह संपूर्ण विश्व का भी
स्वभाव है, विश्व इस चैतन्य के होने से ही है, अन्यथा नहीं होता। और जब चित्तम आत्मा की बात कही जाती है तो ये माया प्रमाता अणु आत्मा की दृष्टि से है, और इसको भी फिर ये वापस स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अतएव चैतन्यम आत्मा इति स्वभाव भूत तात्विके तत् स्वरूप प्रतिपादनाशयेन पूर्वम आत्मा लक्षितः। ये जो पहले हमने चैतन्यम आत्मा उन्होंने कहा है, शिव सूत्रों में कहा है प्रामाणिक है, उसको क्योंकि स्वभाव है, वह संपूर्ण जगत का स्वभाव है, उस स्वरूप के प्रतिपादन की से पूर्व आत्मा बताया। इदानीं तु एतदीय संकोचाव भास प्रधानाणव दशौचित्येन न पूर्वापर वैषम्यम्। यहाँ पर आणव दशा की बात कर रहे हैं, और कोई ये नहीं कहे कि यह विरोधाभास है कि एक तरफ तो आप चैतन्यम आत्मा कह रहे हैं और दूसरी तरफ चित्तम आत्मा कह रहे हैं। और चित्त का जो इन्होंने बताया है यह बहुत पारिभाषिक उपयोग करने योग्य है, चितिरेव चेतन पदाद अवरूढ़ा चैत्य संकोचिनी चित्तम। चित्त क्या है, जो चेतन पद से नीचे उतरी हुई चिति है, संकुचित हो गई है, वही चित्त है, चित्त है। और एक बात इनकी भाषा के बारे में ये भी उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रत्यभिज्ञ हृदय में सर्वत्र आत्मा शब्द का, आत्मा का पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किया गया है, विशेष रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, और दूसरी बात सांसारित्व की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं, तद अपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर व्यामोहितता संसारित्वम। उसको तत् को, परम तत्व को, पंचकृत्यकारी जो परम तत्व है, उसको अपरिज्ञाने, उसको नहीं जानने के कारण स्वशक्ति भी, यहाँ स्वशक्तियों में इन्होंने भूचरी खेचरी गोचरी दिक्चरी आदि शक्तियों की बात कही है, और इन शक्तियों से जब मोहित हो जाता है चैतन्य और अपने आप को संकुचित समझने लगता है, संसारी समझने लगता है और लौकिक कर्ता आदि समझने लगता है, तो वह चिति शक्ति सांसारिक हो जाती है। उसी पूर्ण चिति शक्ति में जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता और अपनी विभिन्न प्रकार की लौकिक शक्तियों से मोहित हो जाता है, तो वह संसारी बन जाता है। लेकिन उस संसारित्व को दूर करके कैसे वापस चिति तक पहुंचा जाता है, जो मैं साइकिल मूवमेंट की बात कर रही थी, चक्र की बात कर रही थी। चिति है जो ऊपर से उतर रही है, चित्त बन रही है, और वह चित्त जो है वह लोक में व्यवहार कर रहा है, संसार में व्यवहार कर रहा है, और वह संसार में व्यवहार करते हुए ही अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है, जैसे हम लोग सब कर रहे हैं दर्शन के माध्यम से। और जब दर्शन के माध्यम से अंतर्मुखी भावेन, अंतर्मुख होकर जब हम चैतन्य का परिज्ञान करते हैं, तत् परिग्रहणे, उस चैतन्य के स्वरूप अपनी चिन्मयी भूमिका को जानने की कोशिश करने के लिए अंतर्मुखी भाव से जब हम समझ पाते हैं चित्त के माध्यम से, तो चेतन पदाध्यारोहा चिति, तब वापस चिति स्वरूपता को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तत् परिज्ञाने, उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर चित्तमे, वही चित्त अंतर्मुखी भावेन, अंतर्मुख होकर उसको समझते हुए चेतन पद अध्यारोहात, अब वह ऊपर चढ़ रहा है, वापस चेतन पद पर चढ़ रहा है और वह चिति रूपता को प्राप्त कर रहा है। ऐसा मेरा समझना है कि यह बहुत सरल शब्दों में इन्होंने पूरे दर्शन को, अगर हम कैप्सूल बनाकर किसी को देना चाहें तो हम इस तरह से एक छोटा सा कैप्सूल बना सकते हैं। तो ये कहते हैं, स्वाम चिन्मयीम पराम भूमिम आविशति। वह जो चित्त है वह स्वयं ही अपनी जो चैतन्यमयी चिन्मयी भूमि जो है पराभूमि, उसको प्रवेश कर जाता है, उसमें उसका समावेश हो जाता है। ये जो इनकी टेक्निकल टर्म है, समावेश आवेश, इससे यह है कि कोई दूर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वह एक ही तत्व है, वह उन्मेष और निमेष जैसे पलक झपकाने की तरह से है। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें संसार दिखने लगता है, बहुत सारी भेदात्मक भूमिकाएं और ये हैं, जब हम नींद में चले जाते हैं तो निमेष हो जाता है, तो सब चीजें एक तरफ लीन हो जाती है। उसी तरह से जो चित्त है वह ज्ञान, चैतन्य का ज्ञान हो जाने पर फिर स्वयं चिति रूपता को प्राप्त हो जाता है।
इसी तरह से इनकी जो भाषा है उसकी विशेषता, अब विमर्श को, अब मैं परापरा प्रावेशिका की बात कर रही हूँ, परा प्रावेशिका में भी बहुत सरल शब्दों में इन्होंने बहुत कठिन प्रत्ययों को स्पष्ट किया है, जैसे विमर्श के लिए, हालांकि ये नवगुप्त के द्वारा भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इनकी अपनी भी विशेषता है। विमर्शो नाम विश्वाकारेण विश्व प्रकाशेण विश्व संहरणे च अकृत्रिम अहम इति स्फुरणम्। विमर्श को समझना हो तो विमर्श क्या है, विश्व आकार में, विश्व के प्रकाशन में और विश्व के संहरण में जो अकृत्रिम अहम है, जो चैतन्य है जिस पर कोई कृत्रिमता लगी हुई नहीं है, वह अहम सभी जड़ चेतन सभी नाना रूपात्मक संसार में जगत में दिखाई देता है, वह ही विमर्श है। और स्पष्ट कहते हैं, यदि निर्विमर्श स्यात् अनीश्वरो जड़श्च प्रसच्ये। अगर विमर्श नहीं होगा तो सभी वस्तुएं जड़ हो जाएंगी, अनीश्वर हो जाएंगी, कोई वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। एष एव च विमर्श। और विमर्श की ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विमर्श क्या है, चित चैतन्यम स्वरसोदिता परावार स्वातंत्र्यम परमात्मनो मुख्यम ऐश्वर्यम कर्तृत्वम स्फुरत्ता सारो हृदयम स्पंद इत्यादि शब्दैरागमेषु उद्घोष्यते। आगमों में इन अनेक शब्दों के द्वारा विमर्श को समझाया गया है, और हम सभी जानते हैं कि ये सब पारिभाषिक शब्दावली है और एक एक पद का विस्तृत अर्थ संभव है, लेकिन हम यहाँ क्षेमराज की बात कर रहे हैं और क्षेमराज की शब्दावली की बात कर रहे हैं। तो सरल शब्दों में कैसे उन्होंने दार्शनिक प्रत्ययों को, पूर्व आचार्यों के द्वारा दिए गए दार्शनिक प्रत्ययों को स्पष्ट किया है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे षट कंचुक के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन बहुत सरल परिभाषाएं हैं, और इनको हम उद्धृत करते हैं विद्यार्थियों के लिए भी, याद करने के लिए भी हम इन्हीं परिभाषाओं को उनके सामने रखते हैं। तो ये अस्य सर्वकर्तृत्वम सर्वज्ञत्वम पूर्णत्वम नित्यत्वम व्यापकत्वम च। यह जो सर्वज्ञत्व सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व पूर्ण व्यापक, ये जो पांच शक्तियां हैं, ये सब शक्तयो असंकुचिता भी, ये सब शक्तियां जो है अपरिमित हैं, लेकिन यही जब संकुचित हो जाती है माया के कारण, माया के प्रभाव से, जब वह स्वयं अपने आप को संकुचित करना चाहता है, तो कला विद्या राग काल नियति रूप तया भवन्ति। स्वयं की शक्तियां हैं, चिति की ही शक्तियां हैं, चैतन्य की ही शक्तियां। कला की परिभाषा देखिए, कला नाम अस्य पुरुषस्य किंचित कर्तृत्व, उसके सर्व कर्तृत्व को संक्षिप्त करके किंचित कर्तृत्व को देने वाली कला है। या किंचित यत्र कारणम तो है, वह उसके सर्वज्ञत्व को संकुचित कर देती है। रागो विषयेषु अभिषंगः, राग जो है उसे विषयों की ओर प्रेरित करता है। काल जो है उसकी सार्वकालिकता को सीमित कर देता है। कालो ही भावानां भासाना भाषा भासना भाषा नाम, काल की वजह से कोई चीज अभी है अभी नहीं है, यह क्रमिकता जो है यह काल की वजह से होती है। अवच्छेदको भूतादि, यह जो वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश आदि सबका कारण काल ही कहा गया है। नियति ममेदम कर्तव्यम मेदम कर्तव्यम इति नियमन हेतु, नियति जो है वह बताती है कि मैं यह कर सकता हूं, मतलब जो उसकी सर्व कर्तृत्व थी उसको सीमित करने वाली नियति है यह। तत् एतत् पंचकम अस्य स्वरूपावरकत् कंचुकम इति उच्यते, ये उसके स्वरूप को आवृत्त कर देते हैं, इसलिए कंचुक कहलाए हैं। तो ये बहुत, मैं प्रमुख रूप से, क्योंकि काश्मीर श्याम दर्शन सभी जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हम सरल शब्दावली में, सरल बुद्धि वाले जो अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने पहले ही प्रत्यभिज्ञा में कह दिया है कि सरल शब्दों में नहीं जानने वाले लोगों को भी कैसे समझाया जा सकता है, तो मैं उसी बात को लेके आगे बढ़ रही हूँ कि सरल शब्दों में कैसे समझाया जाए। तो इन्होंने बहुत सरल शब्दों में, न केवल प्रत्यभिज्ञा हृदय किंतु अन्य ग्रंथों में भी, परा प्रावेशिका आदि ग्रंथों में भी सरल शब्दों में समझाया है। इसी तरह से स्पंद तत्व को समझाने के लिए,
इन्होंने स्पंद कारिका पर टीकाएं लिखी, स्पंद निर्णय और स्पंद संदोह। और स्पंद जो सृजन के मूल में है, स्पंदन जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है, सृजन का स्पंदन के बिना सृजन नहीं हो सकता, सृजन और स्पंदन दोनों समान हैं। और जीवन, जीवन जो है वह स्पंदन ही है, स्पंदन ही जीवन है, जहां स्पंदन खत्म हो जाता है जीवन खत्म हो जाता है। यही बात ये कह रहे हैं, वस्तुतस्तु न किंचित उदेति व्ययते वा केवलम स्पंद शक्तिरेव भगवती अक्रमापि तथा तथा भास रूपतया स्फुरन्ति उदेतीव व्ययत इति चेति दर्शयिष्यामः। यही ऐसा लगता है कि उदित हो रही है और समाप्त हो रही है, यह एक ही चेति शक्ति है और यह कभी ऐसा नहीं है कि वह कभी समाप्त होती है, लेकिन अक्रम है, उसका कोई क्रम भी नहीं है आभासन का, लेकिन फिर भी वह ऐसी प्रतीत होती है। स्पंद की परिभाषा में मार्क दायकोस्की सर की भी बहुत अच्छी मुझे परिभाषा लगी, मैं उसको कोट करना चाहूंगी। स्पंद इज स्पॉन्टेनियस एंड रिकरेंट पल्सेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिवली मैनिफेस्ट एज द रिदम ऑफ द अराइजिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ एवरी डिटेल ऑफ द कॉस्मिक पिक्चर दैट अपीयर्स विद इट्स इनफाइनाइट एक्सपेंस। तो हमें संपूर्ण विश्व में चीजें दिखाई देती हैं, वही स्वतः परिचालित होने वाला जो स्पंदन है, जिसका जिसका ट्रांसलेशन वाइब्रेशन कभी नहीं हो सकता। ये बात सर भी कह चुके हैं, आंगिरस सर की संस्कृत पदों का ट्रांसलेशन उनके चैतन्य का जो उच्छलन है, जिसे कह सकते हैं स्फुरता है, हमारी जो शब्दावली है काश्मीर श्याम दर्शन की बहुत परिपूर्ण है और बहुत सारे अर्थों का जो वहन करती है, हम आसानी से स्फुरता उच्छलन उन्मेष निमेष समझ सकते हैं। तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं, ये हमारी मुश्किल भी है, हमारी सीमा भी है, लेकिन इन शब्दों का स्थानापन्न दूसरे शब्द नहीं हो सकते। इसी तरह से अब मैं इनकी भक्ति संबंधी रचना शिव स्तोत्रावली की टीका पर बात कर रही हूँ। शिव स्तोत्रावली की टीका के प्रारंभ में भी ये उत्पलाचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, कहते हैं ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारो वंद्याभिधान, मतलब उनकी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मौलिक ग्रंथ है, आधारभूत ग्रंथ है, उसको विशेषण के रूप में कर रहे हैं। वंद्याभिधान श्रीमद उत्पल देवाचार्यो अस्मत् परमेष्ठी सतत साक्षात कृत स्वात्म महेश्वर, जिन्होंने महेश्वर स्वात्म महेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है और सतत निरंतर स्वम रूपम तथात्वेन परामृष्टुम, अपने रूप को उसी तरह से समझने के लिए अर्थी जनानुजिगृक्षया, जो दूसरे लोग जानना चाहते हैं कि हम भी अपने रूप का साक्षात्कार कर ले, उनके लिए संग्रह स्तोत्र, जय स्तोत्र, भक्ति स्तोत्र, ये तीन नाम उन्होंने स्वयं दिए थे अपने 20 स्तोत्रात्मक शिव स्तोत्रावली में, और बाकी नाम टीकाकारों ने दिए हैं। तो इसलिए उन तीन नामों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, स्तुति सूक्तानि च कानिचित मुक्ता मुक्तकानि एव बबन्ध। इस तरह से कुछ स्तुति सूक्त और कुछ मुक्तकों को उन्होंने कहा है, और ये बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया है, ये कैसे बताया है। मोक्ष लक्ष्मी समाश्लेष रसास्वाद मयस्यम परम परमेश्वर समावेशस्यैव परमोपादेयतां दर्शयितुं परमेश स्वस्वरूपाभिन्न तत्समाविष्ट भक्त जन स्तुति क्रमेण स्तोत्रम आह। मोक्ष लक्ष्मी का समावेश जिसे हो गया है, जिसका रसास्वाद वो निरंतर कर रहे हैं, परम परमेश्वर के समावेश को जो परम उपादेय है और लोग भी उसे प्राप्त करें, उसका रसास्वादन करें, इस तरह से परमेश्वर से अपने रूप की अभिन्नता और समावेश को प्राप्त किए हुए उत्पलाचार्य स्तुति क्रम से स्तोत्र कह रहे हैं। तो ये उनका सम्मान भी प्रकट कर रहे हैं, उनका ज्ञान भी प्रकट कर रहे हैं, उनकी योग्यता प्रकट कर रहे हैं, और उनके स्तोत्र जो हैं उस स्तोत्र क्रम में जो उन्होंने सरल श्लोक जो कहे हैं, जो उनके भक्ति भाव से परिपूर्ण है, एक दो का मैं उदाहरण दूंगी। जो
उत्पलाचार्य के श्लोक हैं और जिसकी इन्होंने जो टीका की है, और जिसमें जैसे ये बात पहले भी मैंने उठाई थी, भक्ति और शक्ति पाठ में अन्योन्याश्रयता प्रतीत होती है। हमें ऐसा लगता है भक्ति होगी तो शक्तिपात होगा, या हमें लगता है भक्ति हम कर नहीं पाते तो हम चाहते हैं कि शक्तिपात हो तो भक्ति हो। तो इस पर उत्पलाचार्य का कहना है, त्वं भक्त्या प्रियसे भक्ति प्रीते त्वयि च नाथ्यत्। त्वं भक्ति से प्रसन्न होते हैं लेकिन तुम्हारे प्रसन्न हुए बिना भक्ति भी नहीं होती। तद अन्योन्याश्रय युक्तम यथा वेत्थ त्वमेव तत्। तो ये तो अन्योन्याश्रितता हो गई, तो कैसे समझे हम, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही समझाओ, तुम ही शक्तिपात करो, भक्ति का दान दो। हेमराज इस पर कहते हैं, यावन न परमेश्वर प्रियते न तावत भक्ति। जब तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते तब तक भक्ति नहीं होती। यावत च न समावेश में ही भक्ति न तावत परमेश्वर प्रियते। और जब तक समावेश में ही भक्ति नहीं होती तब तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। भक्तिमयश्चिदानंदमयम् वपुः प्रकटयति। और भक्तिमान होने पर तो चिदानंदमय वपु जो शरीर है, चिद आनंद से रूप, स्वयं का चैतन्य है, स्वयं का स्वरूप है, वह तब प्रकट होता है जब भक्ति होती है। तदेतद् अन्योन्याश्रयम्। तो ये अन्योन्याश्रित होता है, यथा येन प्रकारेण युक्तम भवति तथा त्वमेव अति दुर्घटकारिणः स्वातंत्र्यात् उभयम् घटयसि न तो अत्र पुरुषाणां युक्तया प्रभवन्ति। तो ये कह रहे हैं कि ये अन्योन्याश्रय दिखता है लेकिन तुम जो अति दुर्घटकारी हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे स्वातंत्र्य के कारण ही ये ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ हमारी कोई युक्ति नहीं चलेगी, हम अपनी इच्छा से न भक्ति प्राप्त कर सकते हैं न शक्तिपात प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी होगा वह उस परमेश्वर के अति दुर्घटकारी, जो कुछ भी कर सकता है, किसी भी रूप में कर सकता है, उस परमेश्वर के करने से ही होगा। तो ये बहुत अच्छी सरल शब्दावली में और उत्पलाचार्य के मंतव्य को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हुए ये बताते हैं। इसी तरह से एक ऐसा लगता है जैसे पूजन का स्वरूप इन्होंने बताया है। उत्पलाचार्य की शब्दावली है, नाथ विद्युत एव प्रतिभाति विभाते या कदाचन ममामृत दिग्धा सा यदि स्थिर तरैव भवे तत् पूजितोसि विधिवत किम उत अन्यत। जो आपकी विभा है, जो आपकी चांदनी है, जो आपका प्रकाश है, वह विद्युत के समान, जैसे कई बार होता है घना अंधेरा है और एक सेकंड के लिए हम रास्ते में भटके हुए हैं, एक सेकंड के लिए बिजली चौंकती है, चमकती है और हमें रास्ता दिख जाता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, ये नहीं है। क्षण भर के लिए कौंधती हुई विद्युत भी जो अमृत किससे युक्त है, अमृत से युक्त है, वह अगर स्थिर तरा भवे, वह अगर कुछ हमें लगता है ना कुछ और क्षण रह जाती तो हम अच्छी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। अगर वह विद्युत क्षण भर के लिए जो समावेशमय ज्ञान है, जो क्षण भर के लिए कभी कौंधता है साधना की स्थिति में, वह अगर स्थिर हो जाए तो वही वास्तव में आपकी विधिवत पूजा होगी, पूजन का स्वरूप हो सकता है। तो ये इस पर क्षेमराज कहते हैं, हे नाथ तव विभा। विभा का अर्थ करते हैं परः शाक्त स्पंदः। परम शाक्त स्पंद जो है वही आप की विभा है। अमृत दिग्धा का अर्थ करते हैं परमानंदोपचिता, परमानंद से उपचित विद्युतेव विद्युत की भांति क्षण मात्रम या कदाचिन ममावभाति। क्षण मात्र के लिए अगर मुझे कभी दिखाई दे जाए, अवभाति का अर्थ है कद समावेशेन स्फुरति, समावेश का स्फुरण यदि मुझे हो जाए। सा यदि बलवद व्युत्थानम अपहस्तस्य नित्योदिता सात। मैं तो बलपूर्वक अपनी लौकिक स्थिति में ही पड़ा रहता हूँ, वित्थान दशा में ही पड़ा रहता हूँ, तो वित्थान दशा को अपहस्त्यम दूर हटाकर नित्योदिता स्यात नित्य ही बनी रहे वह समावेश दशा मेरी। तद विधिवत यथा तत्त्वम पूजितो असि, तब मैं आपकी पूजा मेरे द्वारा आप विधिवत पूजित हो सकेंगे। किम उत अन्यत परिसमाप्तम करणीयम, और यही मेरी कृतकृत्यता होगी, मेरा करणीय हो जाएगा, कृतकृत्यता हो सकेगी। तो इस तरह से कोशिश की है मैंने इन क्षेमराज की रचनाओं को लेकर उनके दर्शन और उनकी शब्दावली के बारे में कुछ बात करने की। मैं समझती हूँ
कुछ स्पष्ट कर पाई तो ये मेरा सौभाग्य होगा, और मैं चाहूंगी कि आंगिरस सर इस पर भी टिप्पणी अवश्य करें, मेरे में अगर कमियां हो तो खास तौर पर अवश्य बताएं, और मैं उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगी आपसे। धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जितनी स्पष्टता से उनकी रचनाओं का परिचय और साथ में भाषा का जो उदाहरण देकर के हमें स्पष्टीकरण दिए हैं, और कितनी सारे शब्दों को उनके उदाहरणों को आपने हमारे सामने लेकर के आए हैं, तो एक एक पूरी पृष्ठभूमि आपने हमारे सामने खड़ी कर दी है, एक पूरा एक प्रारूप उसका खड़ा कर दिया है। इसके लिए मैं तो कम से कम हृदय से आपका आभारी हूँ कि बहुत दिनों के बाद अच्छा ये सारा सुनने को मिला है, और निश्चित रूप से ये हमें, मुझे लगता है, पुनः पुनः इसका आमरेडन भी करना चाहिए और आलोड़न भी करना चाहिए, तभी जाकर के ये शब्दों से हम परिचित होंगे, ये शब्द हमारे भीतर कहीं जाकर के बीज रूप में टिक कर विकसित हों। तो आप सभी आचार्यों को इसीलिए हम आमंत्रित करते हैं कि भाई हमारे जो ये जो बीज कहीं अंदर पड़े हैं, इन बीजों को आप लोगों के ज्ञान की खुरपी से जो है उसको हिलाते जुलाते रहें मिट्टी को, ताकि उसमें वो ज्ञान का जो वृक्ष है वो विकसित हो। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत आपने अच्छी एक प्रस्तुति दी है, और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ जो संस्कृत से संबंधित नहीं भी लोग हैं या कश्मीर शैविज्म से संबंधित नहीं भी लोग हैं, उनको भी इस विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध हुई है। तो हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी भी जुड़े हैं, सर उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं और भी कई लोगों को देख पा रहा हूँ, प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी, सुरेंद्र कौल जी और कई लोग हैं, तो आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को थोड़ा और आगे की ओर अग्रसर करते हुए, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारी बातें स्पष्ट होने पे भी, प्रारूप स्पष्ट होने पे भी, फिर कई सारे प्रश्न जो हैं वो और उभर आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के साथ कि कश्मीर शैविज्म ने, कश्मीरियों ने ये प्रकाश से संबंधित शब्दों को ही क्यों चुना, और जब वो क्षेमराज जी विशेष बल चिति शब्द के ऊपर दे रहे हैं, चिति रे चेतन पदार्थ रूढ़ा चित्य संकोचनी चित्तम चिति स्वतंत्रता विश्व सिद्धि हेतु, कितने सारे वो दे रहे हैं, तो ये प्रकाश का चिति कौन सा ऐसा पक्ष है, कौन सा ऐसा आयाम है जिसको हम शब्दों में तो कह रहे हैं बार बार, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो चिति शब्द हमारी, कम से कम मेरी पकड़ में वो आया हो। इसी तरह से और भी कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं बार बार पकड़ने की कोशिश करता हूं, तो वो शब्द तो पकड़ में आ गया, ध्वनि पकड़ में आ गई, लेकिन अर्थ के मामले में कोई पूछे तो मुझे बड़ा संकोच होगा, तो मेरी चेतना जो है वो संकुचित हो जाती है वहां पे। मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि हाँ ये समझ में आ गया और ये इसका अर्थ था। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप प्रोफेसर रमाकांत जी अपनी बात इस बात से आरंभ करें कि ये ऑब्सेशन क्यों प्रकाश के विभिन्न आयामों के साथ कश्मीरियों का क्या ऑब्सेशन है, क्यों रहा है, और जो वैदिक प्रकाश की जो अवधारणाएं रही हैं और जो कश्मीर शैविज्म में हमें आके मिलता है उसके संबंध को, और फिर उसकी जो प्रकाश की जो विभिन्न अभिव्यक्तियां जो हमें सौंदर्य में और व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलती हैं, उन पे थोड़ी सी वो बात आरंभ करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सभी आदरणीय विद्वान मित्र मंडल एवं उपस्थित सभागार में श्रोती मंडल, जो लोग भी एकत्रित हुए हैं, सभी के प्रति एक अभिवादन करते हुए एक विनम्र प्रस्तुति प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो अभी वीणा जी ने जो प्रस्तुति दी है वो प्रस्तुति नितांत श्लाघनीय है,
मुझे ऐसे लगता है कि आज जिस एक ऐसे प्रकांड विद्वान पुरुष का जयंती है, उसमें उनके साहित्य को लेकर के उनकी उसमें कुछ ऐसा शेष छोड़ा नहीं है कि जो पक्ष उपेक्षित रह गया हो जिसके विषय में, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एक ही वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। एक ही नहीं तो वो कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर जो नानात्व की बात की गई है, वो नानात्व जो है वो बिल्कुल सिमट करके अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने मन से जितना जो उसके समझ में आता है वैसा वो कहता है। तो ये एक बहुत आज का दिवस हमारे लिए इस दृष्टि से बड़ा शुभ है कि एक ऐसे विद्वान के प्रति हम लोग अपना एक श्रद्धा स्मृति प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी थोड़ी उपेक्षा रही, लेकिन उपेक्षा कश्मीर शैव शास्त्र में परंपरा के अंदर लोगों ने उसकी उपेक्षा तो नहीं की है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी आचार्य वंदना है उस आचार्य वंदना के अंदर उन्होंने क्षेमराज का स्मरण किया है, श्रीमंत वो श्रीकंठम वसुमंतम सोमानंदम तथोत्पलाचार्यम लक्ष्मण अभिनव गुप्तम वंदे श्री क्षेमराजम च करके क्षेमराज का भी उन लोगों में वंदना की है। उसका स्मरण प्राय जब भी कश्मीर शैव शास्त्र की चर्चा होती है तो उनका भी स्मरण उसमें किया ही जाता है। लेकिन ये जो हम बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि संस्कृत की वो जो स्थिति है जिसको एक समाधिस्थ होकर के समाधिस्थ होकर के ही जिसको देखा जा सकता है, तो उसको कई बार समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि ये 10वीं 9वीं 10वीं 8वीं शताब्दी में कश्मीर में इतना संस्कृत का जो एक इतना बड़ा केंद्र और इतना वहां पर जो क्रिएटिविटी रचना धर्मिता का एक पूरे का पूरा युग रहा, वो लगभग 400-500 वर्ष का जो पीरियड है, एक समय है, वो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत रहा है। उसमें एक ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा सा हम देखें तो फिर इस बात का उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि ये प्रकाश रूपता की बात जो आई है कि प्रकाश रूपता चित शक्ति ही, ये प्रकाश रूपता हमारे यहाँ क्या है, तो प्रकाश रूपता से अभिप्राय स्वयं अभिनव गुप्त बराबर ये कहते हैं कि देखो दीपार केन्द्र कृत प्रभा प्रकर्वन नैव प्रकाशोदय। हमारे यहाँ प्रकाश के मने दिए का प्रकाश या सूरज का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, तो उसमें दीपार केन्द्र कृत प्रभा प्रकर्वन नैव प्रकाशोदय, ऐसा प्रकाश की हमारी कल्पना नहीं है। यहाँ ये है कि जिसको वो प्रकाश रूप वो चित शक्ति, जिस चित शक्ति के बगैर इन सब प्रकाशों का भी कोई हमारे लिए अर्थ ही नहीं रह जाता है, वो प्रकाश रूपता है। ये आपकी जो परिपूर्ण अहंता जिसको कहते हैं, वो अहंता वो जो चैतन्य मात्मा जिसको कहा है उसके स्वरूप को ही समझने का प्रयास ये प्रकाश रूप में करते हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या आगे मैं और करूंगा, लेकिन अभी इसको क्षेमराज जी के संदर्भ में ही थोड़ी सी बात कहता हूं मैं। उसमें क्षेमराज के सतारा के लगभग
ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनकी चर्चा प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी ने विस्तार से की है, और प्रत्येक ग्रंथ के विषय में कुछ न कुछ उसका सार रूप में उसका प्रस्तुतिकरण भी कर दिया है। लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण दो पुस्तकें मुझे लगती हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो एक तो शिवसूत्र विमर्शनी है। शिवसूत्र विमर्शनी में सूत्रों का उन्मेष करना अन्यथा बड़ा कठिन काम है। विमर्शनी की सहायता के बिना वो शिव सूत्रों को ठीक से आत्मगत करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम लोग विमर्शनी का सहायता लें, और बिना उस सहायता के उसमें थोड़ा पार पाना मुश्किल हो जाता है। शिव सूत्रों में संबंध साबित करना, सूत्रों की सूत्रात्मकता जो है वही का बहुत महत्व है। लेकिन विमर्शनी फिर भी उनकी टीका है, और ये जो प्रतिभिज्ञा हृदय है ये उनकी एक अपनी मौलिक कृति है, और ये मौलिक कृति इसके विषय में सब लोगों ने अपने अपने एक सम्मति प्रदान की है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे द्वैत वेदांत के अंदर वेदांत सार का स्थान है, वैसा ही कुछ काश्मीर शैव शास्त्री के अंदर प्रतिभिज्ञा हृदय इस छोटी सी पुस्तक का वैसा ही कुछ स्थान है। तो अपने अपने तरह से ये प्रतिभिज्ञा हृदय उनका मेरा विचार में सर्वाधिक जो जिसका लोग पठन पाठन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, और अपने आप में वो एक बड़े मौलिक रूप में लिखा हुआ ये छोटा सा ग्रंथ है। और ये उस समय ये ग्रंथ लिखा गया जब एक ऐसा कोई एक दर्शन जो दृष्टि होती है, जब वो एक विकसित होते 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 वो उसका साहित्य जो है बड़ा व्यापक होता चला जाता है, और वो व्यापक होते होते ऐसा हो जाता है कि सामान्य जन की बिल्कुल पकड़ से बिल्कुल बाहर ही जाने लगता है। सामान्य जन क्या, विद्वानों की भी समझ में आना मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर हम ये देखें कि ये अद्वैत वेदांत की परंपरा के अंदर अगर ब्रह्मसूत्र को ले लें, तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर शांकर भाष्य और भाष्य के ऊपर फिर भाष्य और उसके ऊपर वित्तीय और वार्तिक इत्यादि करते 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 इतना विस्तार हो जाता है कि उसमें उस शास्त्र का ये अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वस्तुतः इतने इस विस्तार का ये तात्विक जो सार है वो कोई देने वाला होना चाहिए। ये तात्विक जो तत्व जो है, ये सार जो है, वो सार जो है हमेशा अपेक्षित होता है, क्योंकि बहुत विद्वान लोग भी कई बार उसके अंदर उस विस्तार के अंदर सभी पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए किसी ऐसे आचार्य की अपेक्षा रहती है ये उस संपूर्ण शास्त्रों के बिल्कुल सटीक सार को आपको हस्तगत करा दे। ऐसा काम जो है वो आचार्य क्षेमराज के माध्यम से, इसे एक लघु पुस्तिका के माध्यम से हुआ है। लेकिन उसके पीछे भी उनका उद्देश्य कोई ये नहीं रहा कि ये मैं कोई ऐसा बना के दे रहा हूं। वो अपना उद्देश्य सामने रखते हैं जिसको समझना आज की शताब्दी में और अगली शताब्दी में आवश्यक है। वो कहते क्षेमेण उद्धीते संसार सारः संसार विशांते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये एक पंक्ति है उसमें श्री की शांकरो उपनिषद सार प्रत्यभिज्ञा महोदधि। ये प्रत्यभिज्ञा जो महोदधि है, ये प्रत्यभिज्ञा एक समुद्र बन गया था। शांकरो उपनिषद सार, शांकर उपनिषद का उपनिषद ग्रंथ उपनिषद बन गया, लेकिन इस उपनिषद ग्रंथों का
इनको ये वो आगम के द्वारा आधारित करकर जो जिस तरह से वो उस ग्रंथों की धीरे 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 क्रमशः कि शिव सूत्रों से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते जैसे वो क्रम बना बनता चला गया, उसका एक युक्ति युक्त विस्तार होता चला गया। तो उस विस्तार में से बहुत से लोग उससे उसके विस्तार को देख करके ही वहां से आतंकित होकर के पीछे न चले जाएं, क्योंकि मौलिक दृष्टि जो है शास्त्र की वो यही है कि संसार में जो विष फैला हुआ है उस विष की शांति होनी चाहिए। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ बहुत लिख दिया आपने, बहुत विद्वान है, बहुत योग्यता है, बहुत सब कुछ है, आपको बड़ी इंफॉर्मेशन बहुत है, पांडित्य है। एक समय ये 8वीं 9वीं शताब्दी का था जब ये पांडित्य और विद्वत्व का और ये वैदग्ध्य का ये एक बड़ा एक ऐसा दौर चला था कि जिसके अंदर कि सामान्य प्रतिभा वाला सामान्य बुद्धि वाला आदमी जो है वो शास्त्र से परे उसके आतंक में ही जीता था। तो इसलिए वहां ये उस समय लोग ये कहते थे कि तत्चेदस्ति तत्तदेव गम वैदग्ध्य पांडित्यो। वैदग्ध्य और पांडित्य का समावेश जब तक ना हो जाए तो वैदग्ध्य और पांडित्य को ये एक साथ मिलाना तो तब बात बनती है, अदरवाइज वो बात नहीं बनती है। लेकिन हम समझते हैं कि वैदग्ध्य और पांडित्य के मेल से भी बहुत सारी रचनाएं साहित्य शास्त्र के अंदर, काव्य शास्त्र के अंदर और दर्शन ग्रंथों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हुई जिनमें वैदग्ध्य और पांडित्य का समावेश हुआ है। लेकिन वहां पर एक मौलिक प्रश्न आया कि जो एक दर्शन है वो एक कुछ लोग कुछ सीमित लोगों की एक संपदा बन के रह जाता है, वो केवल मात्र जो उसमें ही टोटली संपूर्ण रूप से उसी के अंदर समर्पित हैं वही लोगों के लायक सिर्फ वो दर्शन बन के रह जाए ऐसा अपेक्षित नहीं है। विवृति विमर्शनी विमर्शनी टीका इत्यादि का केवल पंडित लोग ही उपयोग कर पाएंगे, अन्य लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे उसमें ग्रंथों के अंदर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो उस समय एक ये तात्विक जो समाधान है वो ये है कि नहीं, शास्त्र का जो प्रवर्तन हुआ है वो पांडित्य के प्रकर्ष के लिए नहीं हुआ है। शास्त्र का जो प्रवर्तन हुआ है वो संसार विशांत है, वो तो लोक के जीवन में से पीड़ा का अपहरण करने के लिए उसका उन्मेष हुआ है, शैवी दृष्टि का उन्मेष जो हुआ है उसका उन्होंने अपनी प्रथम मंगलम पद के अंदर जो बात कही है ये बड़ी साभिप्राय है, बड़ी साभिप्राय ये बात है उसने, क्षेमे नोद्धृते संसार सारः संसार विशेषांत है। ये क्षेम इसलिए उसने किया है कि ये उद्धृत किया है, उद्धृत किया है उसमें से जैसे मक्खन निकालते हैं मक्खन की तरह उसमें से उद्धृत किया है, जैसे छाछ में से हम मक्खन निकाल लेते हैं। संसार विशेषांत है, ये संसार जो लोगों के लिए आमतौर पर विष बन जाता है वो आनंद से हम बराबर पढ़ते आ रहे थे आनंदा देव खल्विमानी भूतानी जायन्ते, ये आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, आनंद ही उसका मूल है। लेकिन आनंद से लोग अपरिचित ही रह जाते हैं तो वो आनंद से अपरिचित रहने का अर्थ क्या हो जाता है कि अमृतत्व से वंचित, उस अमृत उस सुधा से वंचित होकर के लोग रह जाते हैं और लोक जीवन जो है वो उस प्रकार से अमृतत्व के लाभ से पीछे रह जाता है। तो ये एक चिंता बड़ी महत्वपूर्ण शैवाचार्यों की चिंता है। अगर आप देखें तो इसी संदर्भ में आचार्य क्षेमराज ने प्रतिज्ञा हृदय के अंत में भी समापन में भी जो बात अपना आदि का मैंने आपको सुना दिया है कि ये क्षेमे नोद्धृते सारा संसार विशेषांत है, लेकिन लोक के प्रति ये आगे कैसे सचेत होते हैं, देह प्राण सुखादि भी परिमितः अहंतास्पदे संवृता,
क्षेमराज को इस बात का बड़ा दुख है, और ये मैं क्षेमराज की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये पीड़ा अभिनव उसके गुरु अभिनव गुप्त में भी बहुत है। अभिनव गुप्त भी ये लोगों को ये कहते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं तुम एक बार उस अमृत पद का, उस शैवम धाम परम ममानुभवतः, उस शैव धाम जो है संबित धामनी, उस संबित धाम में एक बार जरा थोड़ा सा काली अमेकम लवम, एक क्षण के लिए उसको जरा छू के उसमें एक एक मोमेंट के लिए उसका एक एक बार आचमन तो करके देख लो यार। और किंग किंग वर्ण काभिराभिरविता सत्यम स्वयं ज्ञासे थे, तो तुम मेरे ग्रंथों में भी तुम्हें तुम्हें कोई रुचि नहीं रहेगी शायद, तुम एक बार उस शिवत्व के साथ एक बार जुड़ के देख तो लो कम से कम। ये आग्रह उस आदमी का है जो जिसने संपूर्ण उन प्रतिज्ञा कारिकाओं के ऊपर इतना बड़ा काम किया, भाष्य पर बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहन भाष्य, और सारे जीवन का सारा करने के बाद वो उसके ऊपर स्वयं को अपनी रचनाओं को कैसे कहते हैं, किम किम वर्णनिकाभिराभिरभिता सत्यम स्वयं ज्ञास्यत, मेरी इन वर्णनिकाओं से तुम्हें क्या लेना देना फिर होगा उसके, एक बार तुम संबित धाम वो शिव है उनके साथ एक क्षण के लिए जुड़ तो लो यार, एक एक काली यम एकम लवम, एक क्षण के लिए तुम जुड़ के देखो एक बार, और फिर उसके बाद तुम्हें ना आनंद आ जाए, तुम उस आनंद के आगे तुम ये मेरी वर्णनिकाएं जो है, मेरा जो ये बहुत लॉजिकल एपिस्टिमोलॉजिकल ये फिलोसॉफिकल ये वो ये सारी बातें जो है कहते उपेक्षित हो जाएंगी। तो कश्मीर शैव आचार्यों के हृदय में ये जो एक विभोलता थी, उनके हृदयों की एक जो व्याकुलता थी, उस व्याकुलता ने उनको सिर्फ दार्शनिक नहीं बनाया है, दार्शनिकता के साथ उसमें एक हृदय का योग किया है। इसलिए चाहे उत्पल कहें नाथ वेद्यक्ष है कि न दृश्यो सेप का कथम, वेद का क्षय होने पर आप अकेले एकमात्र दिखाई तो दे ही जाओगे, उसमें क्या है, जब कोई नहीं है सिर्फ आप ही हैं तो आप एक दिखाई देते हैं, वो तो दिखाई दे जाओगे, लेकिन मैं तो कुछ और बात कह रहा हूं। ये कश्मीर शैवाचार्य, इसके बराबर की मुझे पंक्ति अन्यत्र मिलती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वेद वेदिक संक्षोभ प्यसी भक्ति सुदर्शन, लेकिन जहां पर वेद और वेदिक के बीच में संक्षोभ होता है, जब दुनियादारी के अंदर मैं जी रहा होता हूं, जहां वेद और वेदिक का संघर्ष भी हो रहा होता है, तो अपने भक्तों के लिए तब भी तुम उतने ही सुंदर होते हो जितने तुम वेद्य क्षय हो जाने पर, जब कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता है, जैसे उस विश्वोत्तीर्णता के अंदर तुम प्रिय होते हो, उतने ही तुम विश्वमयता के अंदर भी उतने ही प्रिय होते हो। ये बात कहने के लिए केवल दार्शनिक होना पर्याप्त नहीं था, दर्शन का हृदय से उदय होना जो था, दर्शन हृदय से जब दृष्टि उदय दर्शन का उदय होता है तो वो दर्शन कुछ और बात बन जाती है, वो हमारे जीवन को व्याप्त कर लेती है। इसलिए ये भी अपने उस गुरु की तरह ही खेमराज भी समापन में जब उसका शिव सूत्र विमर्शनी का समापन करते हैं, तो वहां पर भी जब वो उसका अपनी उसके विषय में कहते हैं कि यम रोचनी क्या रुचिवर्धनी, ये जिन लोगों की रुचि नहीं है उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए ये मेरी रचना है, लेकिन उसमें रुचि बढ़ाने वाली बात जो है वो बहुत पीछे है, लेकिन ये कहते देह प्राण सुखादि भी परिमिता हंतास्पदी संवृता, ये प्रत्येक मनुष्य जो है देह के सुख से, प्राण के सुख से, अन्य सुखों से परिमिता हंतास्पदी संवृता, परिमित जो अहंता है ये उसकी अहंता जो है कैसी है, परिमित अहंता हो जाती है, देहो हम ये प्राणमय मैं हूं, प्राणमय मैं हूं, मनोमय मैं हूं, विज्ञानमय मैं हूं, इस तरह का जो अपनी अहंता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक परिमित अहंता को लेकर के, हरेक आदमी अपने एक छोटे से घोंसले में घुस करके
वहां उस चैतन्यम चुनते निजम न सुमहन माहेश्वरम संदना, वो जन जो है जो लोक जो है ये उस माहेश्वर, वो जो अपना माहेश्वर्य सारता है उसको क्यों भूल गए हैं लोग, क्यों भूलना चाहते हैं। चैतन्यम चिनुते निजम न सुमहन, वो निजम चैतन्यम माहेश्वर जो माहेश्वर महेश्वर संबंधी जो उसका एक विस्तृत स्वरूप है उसका, उस विस्तृत अपने चैतन्य को वो क्यों नहीं चुनना चाहते हैं लोग। ये मध्य बोध सुदाब्धि विश्व भवित तत्फेन पिंडोपम, इस ये विश्व जो इस ज्ञान समुद्र के अंदर मध्य बोध सुदाब्धि बोध के अमृत के अंदर ये जो फेन पिंड के समान झाग के पिंड के समान ये जो विश्व तैर रहा है, वो उस पिंड को जो इस शिवमय रूप में इस विश्व को जो देखता है जानता है, यह पश्चेद उपदेश तस्तु कथित है साक्षात स एक शिव, वही उसको हम शिव मानते हैं। ये श्लोक उन्होंने अपनी प्रतिभिज्ञा हृदय के समापन में भी इसको लिखा, इसी को ही प्रकारांतर से दो चार शब्दों को आगे पीछे करके ये विमर्शनी के पीछे भी लिखा। तो उससे ऐसे लगता है कि ये लोग जो लिख रहे थे ये अपने पांडित्य के प्रकर्ष के लिए नहीं लिख रहे थे, इन लोगों की जो भी काम, इसलिए इन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त ने तो अपना थोड़ा परिचय भी दे दिया हुआ है, लेकिन क्षेमराज ने, ये बड़ी कमाल की बात है कि एक ही परिचय है और वो परिचय मुझे लगता है कि महाभारत में जैसे अर्जुन देता है परिचय अपना कि तुम अपना परिचय दो, तो वो कहता है कि मैं द्रोण शिष्य, द्रोण शिष्य अर्जुन, यही मेरा परिचय है। और वैसी ही स्थिति क्षेमराज की है कि अभिनव गुप्त पाद पद्मोपजीवी, ये अभिनव पाद पद्मोपजीवी, ये अभिनव गुप्त को कितना सम्मान देते थे, और अभिनव गुप्त और इनके साथ इनका एक ऐसा हार्दिक कैसा किस प्रकार का लगाव रहा होगा उसको देख करके मुझे, मैं आंदोलित होता हूँ कई बार। पाद पद्मों पर जीवना इतना ही परिचय है मात्र, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों का जो हृदय था, ये लोग इनकी आजीविकाओं का और ये निश्चिंत उस दृष्टि से होते हुए भी लोक की इनकी चिंता जो थी, आज भी हम लोग चिंता करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं देखिए कोरोना का विस्तार हो रहा है, लोग मर रहे हैं और सब लोग जो है वो उसके अंदर वैक्सीन ढूंढने की तलाश के अंदर ढूंढ रहे हैं, उस वैक्सीन को ढूंढ रहे हैं कि जिस वैक्सीन से जो सभी लोग जो है सबका हित हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। ये भी आचार्य लोग जो थे, ये लोग भी उस वैक्सीन को ढूंढ रहे थे जो संसार विष शांति, संसार के विष की शांति, क्योंकि कोरोना के हट जाने के बाद भी वो संसार का विष जो है पारस्परिक संघर्ष युद्ध और ये सारे का सारा जितना मिथ्यात्व का सेवन, जितना जो कुछ गड़बड़ हो रहा है जीवन का वैषम्य, वो नहीं जाने। इसलिए ये लोग बराबर अनादिकाल से ये साथ के साथ संसार के संघर्ष के साथ, संसार के संघर्ष को देखते हुए उसकी शांति के लिए ये लोग अपना एक जो प्रयास करते रहे हैं, और उस प्रयास के अंदर आप देखें तो ये बाद की बात करते हैं कि देखिए ये सुकुमार मतया, अब ये क्या है, ये करुणा है जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाले नहीं हैं, सुकुमार मति हैं, कोमल मति हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि लेकिन उनके ऊपर भगवान परम शिव के शक्तिपात का, शक्तिपात तो हुआ है, इसलिए वो अपने शिवत्व को पहचानने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा विस्तार देख करके उसमें अनुप्रवेश करने से जीवन भर ऐसे ही चले जाते हैं। ये आचार्य शंकर का भी जब वो मैं पढ़ता हूँ चरपट पंजरी का, तो उसके अंदर भी वो कहते हैं कि अरे प्राप्ते सन्निहिते मरणे, इतने वृद्ध हो गए
और ऐसी स्थिति में नहीं नहीं रक्षति डुकृत करणे, और अभी तुम व्याकरण ही पढ़ रहे हो, अरे व्याकरण में ही अगर लगे रहोगे तो ये फिर आगे बाकी का क्या हुआ, तो समाधान क्या होगा उसके अंदर। जो शास्त्र का निषेध नहीं कर रहे थे, लेकिन शास्त्र को उपयोगी लोकोपयोगी बनाने में इन लोगों का जो महात्म्य, इसलिए इनकी शास्त्र चिंता जो थी बोला लोकानुग्रह प्रयोजनम, उसका प्रयोजन था शास्त्र चिंता का, लोकानुग्रह ही एकमात्र प्रयोजन था। ये बराबर उस तलाश में रहे हैं जिस तलाश में ये संसार के लोग जो हैं, वो उस भगवान शंकर ने जिस प्रकार से पौराणिक कथा के बीच में जिक्र आया था, लेकिन पौराणिक कथाएं कई बार वो सब कह जाती हैं जो हम बहुत सारे शब्दों के प्रयोग के माप करने के बाद भी नहीं कह पाते। वो विष शांति के लिए शिव ने जो विष ग्रहण किया, लेकिन वो विष भी जो ग्रहण किया तो वो विष भी उसमें उसने कहा कि ये उनके कंठ का जो विष है वो सौंदर्य की वृद्धि का कारण ही बन गया उनका। वो विष ग्रहण भी कैसे किया, वो विष ग्रहण जो है वो भी उनका वो सौंदर्य में ही वर्धक बन गया। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आचार्य लोग थे इन्होंने बहुत ही सार गर्भित स्वरूप से उन लोगों को कि जो इतने शास्त्र के विस्तार में नहीं जा पाते हैं, या स्वयं अपने विजन को भी, स्वयं भी कई बार मैं अपने विस्तार से डर जाता हूं, अपने विस्तार से ही डर करके मैं स्वयं उस सार में आना चाहता हूं कि नहीं अब तो ये मुझे अपने सार में आना चाहिए। आजीवन मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि आजीवन अद्वैत वेदांत का पठन पाठन करने के अतिरिक्त भी उनके अंदर के वो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो वो आत्म साक्षात्कार भी एक अपना प्रयोजन भी होता है कि उसी अपने सब को समेट करके, समेटने का जो प्रयास है सारे कश्मीर शैव शास्त्र की चेतना का, एक संपुंजन अगर मैं देख तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रतिभिज्ञा और हृदय शब्द का प्रयोग कर दिया है। प्रतिभिज्ञा शब्द का प्रयोग जो है, प्रतिभिज्ञान तो उसका अभिज्ञान के साथ संबंध है, लेकिन प्रतिभिज्ञान को हृदय के साथ जोड़ा है, हृदय के साथ उसका संबंध है कि वो प्रतिभिज्ञा जो हृदय के माध्यम से उदित हुई। इसीलिए जब वो बात करते हैं तो चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु की बात करें तो वहां पर एक एक छोटे से सूत्र रूप में लिख रहे वृत्ति, लेकिन वृत्ति में भी सूत्र की शैली है, और ये एक एक ऐसा मौलिक काम है जिसके अंदर जो सूत्रकार है स्वयं ही सूत्रकार है और स्वयं ही उसमें वृत्तिकार है, उसका वृत्ति भी स्वयं ही लिख रहा है। तो स्वतंत्र शब्दों ब्रह्मवाद वैलक्षण्य मात क्षाण है चितो माहेश्वरी सारताम भूते, बहुत ही सरल भाषा के अंदर कहते हैं कि इसमें कश्मीर शैव शास्त्रियों ने बहुत सारी शंकाओं का समाधान हमारा नहीं हो रहा था, तो उसके अंदर कश्मीर शैव शास्त्र ने एक स्वतंत्रा शब्द दे दिया बीच में, इति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, वो स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र शब्द का प्रयोग दूसरे लोग भी कर सकते थे, लेकिन स्वतंत्र शब्द का प्रयोग वहां पर अन्य वो चाहे यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो या अन्य और सूत्र हो कहीं भी प्रयोग हुए हों, लेकिन उसमें स्वतंत्र शब्द का बड़ा साभिप्राय प्रयोग, सटीक प्रयोग जो है, और फिर उसको स्वयं ही व्याख्यात कर देते हैं कि यहाँ पर ये चिति जो है, आप इसके बारे में प्रश्न करेंगे कि अच्छा फिर अगर ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर ये माया का उदय कहां से हुआ, माया कहां से आई, और फिर ये अज्ञान कहां से आया, जब ज्ञान ही सब सब ज्ञान ही ज्ञान है तो ये कहां से आया। तो वो उस प्रश्न का वो कहते हैं कि बहुत सामान्य व्यक्ति इन प्रश्नों के समाधान का कोई वो ढूंढ नहीं पाता है कि ये कहां ले जाकर के कहां खड़ा कर दिया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसका उत्तर एक ही है और वो है स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु।
विश्व सिद्धि का, सिद्धि क्या है, उसकी जो निष्पत्ति है, विश्व की जो निष्पत्ति है, उस निष्पत्ति का वो स्वतंत्र चेती शक्ति जो है, ये उसका स्वातंत्र है। ये स्वातंत्र शब्द के कारण ही कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसके ऊपर बहुत विस्तार से लोग विचार करते हैं कि कश्मीर में स्वातंत्रवाद क्या चीज है। ये तो अति दुर्घटकारित्वम स्वातंत्र्यम, ये दुर्घट से दुर्घट वस्तुएं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजों के निर्माण करने की क्षमता जो है, इसी का नाम स्वातंत्र है। और इच्छा का ये वो बिना किसी प्रकार का विघात हुए उसका जो प्रसर है, वही उसका स्वातंत्र है। तो उसके ऊपर आप ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते चीटी के ऊपर कि विश्व सिद्धि करने के पीछे कारण क्या, क्यों अकेले नहीं रह सकते थे, क्यों नहीं उसके साथ रह सकते थे। तो कहते नहीं, ये उसका स्वातंत्र जो है, वही उसका, वो स्वयं ही नानात्व में, स्वयं ही एकत्व के अंदर, वो नानात्व में भी एकत्व में ही होती है, एकत्व में भी नानात्व में ही होती है। इस स्वातंत्र को साक्षात्कार करना, इस स्वातंत्र को समझना, और ये स्वातंत्र जो है, जिसकी हानि आणव मल से हो जाती है, उस आणव मल की निवृत्ति, उस आणव मल की निवृत्ति अगर हम करना, कि कला हमें आचार्य से, गुरु से, शास्त्र से, या अपने पूर्व कर्मों से, अपने उससे हमें अगर आ जाए, तो इस आणव मल की निवृत्ति से बहुत संभावना है कि हम लोग उसमें अपने उस स्वातंत्र को हम भी प्राप्त कर सकें। हम उस शिव, वो परम शिवता का जो स्वरूप है, तो एक सूत्र के अंदर वो स्वातंत्र शब्द को रख करके, और 20 सूत्रों के अंदर, 20 सूत्र हैं, 20 सूत्रों की वृत्ति के अंदर, उस सारे उसमें संपूर्ण कश्मीर शास्त्र, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं पर भी वो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कुछ उसमें से छूट जाता है हाथ से, वो पूरा सार उसके अंदर इसमें समाधि वज्रेणा पिन्ने भेद्यो भेद भूधरा, समाधि के वज्र से भी जो भेद भूधर, अब भेद भूधर एक और तो भेद को भूधर किस मान, जो द्वैत का भूधर पर्वत जो था, जो समाधि वज्रेणा पिन्नी अभेद्यो भेद भूधरा, वो जो भेद का भूधर था, जो समाधि के वज्र से भी नहीं टूट सकता था, परामृष्टश्च नष्टश्च त्वद्भक्ति बलशाली भी, उसको परामर्श के द्वारा, ये परामर्श शब्द भी काश्मीर शैव शास्त्र का, इन 3-4 शब्दों की विस्तृत रूप से अगर व्याख्या हो कि उसके अंदर प्रकाश, विमर्श, परामर्श, और ये आमर्शात्मकता क्या है और परामर्श क्या है, तो इन शब्दों के पीछे एक बड़ा रहस्य है। क्योंकि हम लोग परामर्श से जब पहले परिचित हुए, तो वो न्याय शास्त्र के माध्यम से ही उससे परिचित हुए थे, तो वो परामर्श बड़ा संक्षिप्त अर्थ था, लेकिन यहाँ पर परामर्श शब्द का बहुत विस्तार से काश्मीर शैव शास्त्र के अंदर है। तो तद भक्ति परामृष्टश्च नष्टश्च तद भक्ति बलशाली भी, लेकिन हे परम शिव, जिन्होंने तुम्हें हृदय से साक्षात्कार किया है, भक्ति शब्द भी रूढ़ शब्द में प्रयोग हो गया है, भक्ति शब्द भी मध्य काल के अंदर इतना प्रयोग हो करके वो शब्द जो है वो घिस जाते हैं, जैसे जैसे सिक्के घिस जाते हैं, ऐसे शब्द जो है वो भी घिस जाते हैं। इसलिए शब्दों को, कॉइन नए शब्दों को भी कई बार शास्त्रकारों को ढूंढना पड़ता है। उसी से जो समावेश शब्द का आवेश हुआ, परामर्श शब्द को कॉइन किया गया है और समावेश शब्द को कॉइन किया गया है, उन शब्दों के माध्यम से एक पूरा परिचय। मैं समझता हूँ कि एक एक सूत्र को आप अगर देखें, एक सूत्र का दूसरे सूत्र से संबंध जोड़ें, तो ये प्रत्यभिज्ञा हृदय अपने आप में एक बड़ी ही मार्मिक रचना सामने आती है, और जो सर्व एक समूचे, जिसको ऑल इंक्लूसिवनेस जो इसकी है, जो कोई दूसरा आदमी नहीं कहता है,
तद्भूमिका सर्वदर्शन स्थितः, इस सूत्र को न देखिए सभी लोगों को आत्मसात कर लेते हैं उसके अंदर। ये सभी बाकी के दर्शन उपेक्षणीय नहीं है, ये सभी दर्शन जो है ये उसी काश्मीर शैव शास्त्र की ही ये भूमिकाएं हैं। एक भूमिका से आगे चलते 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 और आखिर में पहुंचते हैं कि देखिए तांत्रिक लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। एक क्रमशः एक एक पंक्ति के अंदर भारत में उस समय के प्रचलित जो सभी दर्शन है उन सभी दर्शनों का संक्षेप में सार गर्भित एक अर्थ दे करके और किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और ये शैली वही है जो उसमें बृहदारण्यक में जब उपनिषदों के अंदर जिस शैली का प्रयोग किया कि जहां पर बालाकी दृप्त गार्ग बालाकी अजात शत्रु से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बताओ। कहते हैं कि ये मैंने सूर्य को ऐसे देखा। उन्होंने कहा अरे सूर्य विज्ञान के विषय में ठहरो, ये मैं जानता हूँ, आगे चलो। वो आगे चलता है तो वो कहते हैं कि वायुर्वाप संवर्गः, वायु को, वो कहने लगे नहीं ये भी मुझे पता है और आगे चलो। वो आगे ही चलाते जाते हैं, आगे चलाते जाते हैं। ऐसी ही शैली का ये तद्भूमिका सर्वदर्शन स्थितया में मुझे दृष्टि नजर आती है कि वो कहते हैं आखिर में कहते हैं कि ये गार्ग तुमने जो प्राप्त किया मैं उसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम जहां रुक जाते हो मैं उस तुम्हारा जो ब्लॉकेज है उसको खोलना चाहता हूं। इसलिए ये सूत्र जो है वो धीरे धीरे एक दर्शन का ब्लॉकेज, दूसरे का, तीसरे का, सभी दर्शनों के उन ब्लॉकेज को खोलते 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 आखिर में जाकर के वो कहता है कि ये त्रिकादि दर्शन जो लोग हैं वो विश्वोत्तीर्णत्वम विश्वमयत्वम, वो विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है, ऐसा त्रिकादि दर्शन भी लोगों का ये वहां ले जा करके उसको वो कंक्लूड कर देते हैं। इसलिए ये एक शैली मुझे लगा कि ये एक सूत्र और उस सूत्र की वृत्ति के माध्यम से ये एक पाठन शैली का जहां पर भी वो स्वयं ही एक विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं और फिर स्वयं ही उसको उसका समाधान दूसरे सूत्र में कर देते हैं। इस सूत्र का उदाहरण दिया थे उन्होंने कि तदपरिज्ञाने स्वशक्ति फिर व्यामोहितता संसारित्वम। अरे संसारित्व क्या है, संसारी होना क्या होता है? तदपरिज्ञाने वो जो परम शिव है वो पराहंता जो है पूर्णाहंता है, उसका अपरिज्ञान होने पर अगर उसको नहीं समझोगे भाई, ये सूत्र कोई सूत्र इम्तिहान में लिखने के लिए नहीं बनाया है, ये आम आदमी को समझाया है कि तद अपरिज्ञाने अगर इस शिवत्व के अपने उस अपनी शिव रूपता को नहीं पहचानोगे। कश्मीर शैव शास्त्र ये दावा करता है कि तुम सब शिव हो, और तुम सब शिव हो, लेकिन अपनी शिवता को अगर नहीं पहचानोगे तो उस शिवता को न पहचानने से संसारित्व में डूब जाओगे। तद परिज्ञाने स्वशक्ति फिर व्यामोहितता, तुम्हारी अपनी ही शक्तियां, तुम्हारे अपने ही बनाया हुआ जो पैरापन ने लिया है, तुम्हारा अपना ही घर गृहस्थ, तुम्हारा समाज, तुम्हारा लोक, तुम्हारे ये सब एटम बॉम्ब बॉम्ब सब बनाए हुए जो है ये सब विष बन जाएंगे पूरे के पूरे, लेकिन अगर तुम अपनी शिवता को पहचान लेते हो तो ये सारे का सारा जो है अमृत तुल्य, वो शक्ति का सार बन जाएगा। इसलिए वो स्वयं ही उसका समाधान जिस दृष्टि से करते हैं ऐसे लगता है कि ये दर्शन जो है ये एक बड़ा ही जीवंत दर्शन है, जीवन के साथ उसे जोड़ के प्रत्येक क्षण वो एक कालियम एकम लवम, एक लव काल, काल लव कहते हैं, लव तुम जो है वो काल परमाणु, लव इत्युच्यते काल परमाणु है, एक सेकंड के लिए भी अपनी शिवता से अगर विच्युत नहीं होते हो तो ये तुम्हारा संसारित्व तो नहीं रहेगा, ये शिवत्व में सारी मनुष्यता का मनुष्यता युग युगांतर से इस प्रतीक्षा में है, युग युगांतर से इस प्रतीक्षा में है कि वो किसी प्रकार से अपनी
शिवता के अंदर स्थापित हो सके, और उस शिवता में स्थापित होने में मैं समझता हूँ कि कश्मीर के आचार्यों की ये जो एक मणिमालिका है, ये जो एक डायमंड्स की एक जो हार है पूरे का पूरा, जिसको हम गणना करते हैं कि श्रीकंठम वसुमंतम सोमानंदम तथोत्पलाचार्यम लक्ष्मणम अभिनव गुप्तम वंदे श्री क्षेमराजम च। और क्षेमराज ने जो टीकाएं की हैं वो भी बात है, वो भी बहुत है, उसमें भी उन्होंने अपने दृष्टि को पूरी तरह से दिया है, लेकिन मौलिक कृति के रूप में मुझे जो सर्वांगीण दृष्टि से लगता है वो प्रतिभिज्ञा हृदय मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने अपना सा आत्म साक्षात्कार को भी ढूंढा है, और सुकुमार मति जो लोग हैं उनके लिए भी उसने उन्होंने पर्याप्त नित्योदित समाधि लाभ तक, नित्योदित समाधि प्राप्त कराने तक वहां पर उन लोगों को भी ले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि काश्मीर शैव शास्त्र का एक दर्शन पुस्तकीय दर्शन के रूप में नहीं, एक जीवंत दर्शन के रूप में, जीवन के साथ अगर रिलेट करके हम देखें तो इस शताब्दी को नहीं, आने वाली समस्त शताब्दियों तक ये दर्शन बहुत ही मानवता का उपकारक दर्शन है। और इसका इसके आचार्य क्षेमराज जैसे आचार्यों का हमें उचित मूल्यांकन करना चाहिए, इनका समय समय पर अनुशीलन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर रमाकांत जी। और वाकई जैसे कि मैं अपेक्षा कर ही रहा था कि आपके वक्तव्य से कई बातें मेरे भीतर उभरी हैं, कोई स्पष्टीकरण भी हुए, और ये बात भी पहली बार समझ में आई कि दर्शन और हृदय का संबंध जो है वो काश्मीर शैव दर्शन का विशेषता है। नहीं तो प्रतिभिज्ञा हृदय, हृदय शब्द को बहुत बार पढ़ रहे थे, बहुत बार सुन रहे थे, लेकिन कई बार वो नुक्ता जो है वो पकड़ में नहीं आता है। तो पहली बार समझ में आया कि हृदय से उत्पन्न जो दर्शन है वो कश्मीर की विशेषता है। और मुझे सुनते सुनते ये भी लग रहा था कि इस विषय को ध्यान से जब हम और अधिक देखना शुरू करेंगे तो मेन कोर्स जो मेन डिस्कोर्स है इस वक्त भारत का या मनुष्यता का चल रहा, उसमें अगर हम कश्मीर शब्दावली को प्रयुक्त कर दें किसी तरह से, किसी भी प्रकार से उसको हम अपने दैनंदिन भाषा में प्रयोग करने लगेंगे, मुझे लगता है कि हम मनुष्यता को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया विचार दे सकते हैं। जो करेक्टिव मेथड्स हैं, मुझे लग रहा है आपका सारा ये बातचीत सुन करके कि अगर इनमें से कुछ एक शब्द भी अगर हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करना ला दें और मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में अगर वो शब्द प्रयुक्त होने लग जाएं, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी बदलेगा, कल्चरल डिस्कोर्स भी बदलेगा, आपका इतिहास भी बदलेगा, और पूरी मनुष्यता का जो देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो भी बदलेगा। और आपके सारे वक्तव्य से जो आचार्य क्षेमराज जी की प्राथमिक दृष्टि भी पकड़ में कुछ आई और उनका दर्शन भी पकड़ में आया, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा अधिक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि यदि किसी की भी कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, मैडम भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब भी हैं, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई अपनी दृष्टि से अपनी को बात कहना चाहता है तो बहुत संक्षेप में आप हमारे साथ साझा करें। और अंत में मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील रैना राजानक जी से, जो एडिटर हैं नाद मैगजीन के, कश्मीर की बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर मैगजीन है, और उसमें बहुत अधिक उसमें वो मटेरियल देते हैं हर महीने, तो वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो उससे पूर्व यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या कोई और दृष्टिकोण है इस सारे विषय के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि जरूर बात करें। अगर प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मैं
हाँ सर में जो आज कार्तिक पूर्णिमा है, जी 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 हाँ मैं अगर जो है आज सभी गुरुओं को प्रणाम न करूं तो मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। जी सर और जो है महर्षि आचार्य दुर्वासा से लेकर के और काश्मीर शैव पृष्ठभूमि में आचार्य श्री कृष्ण से लेकर के और आचार्य रमाकांत आंगिरस जी और आज की जो वक्त्री आचार्य वीणा अग्रवाल जी, हमारे भाई मित्र डॉक्टर आशुतोष आंगिरस जी और सभी श्रोता, उन सबको शंभु दृष्टि से मैं प्रणाम करता हूँ। और आचार्य क्षेमराज, यह क्षेम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जी जी योग जी तो होता ही नहीं, किस चीज को ऐड करें, क्षेम जो है वही रह जाए वही योग है। क्षेम को बिल्कुल फिर से प्रति प्राप्त कर लेना प्रतिविज्ञान दृष्टि से, यही तो योग है। जी और चिति जो है वो चिति चित्त को समेटी हुई है, चिति चित्त को समेटी हुई है जो शक्ति सूत्र है, और शक्ति सूत्र के माध्यम से शिव सूत्रों को एक नई परिभाषा देना, ये अभिनव के शिष्य अभिनवतर दृष्टि, एक अभिनव को एक अभिनव जामा पहनाना, ये जो क्षेमराज, ये अद्भुत व्यक्ति हैं, एक क्षेमराज, एक क्षेमेंद्र, एक काव्य कला में और एक यहाँ पर, और इनको दार्शनिक कहते हैं क्योंकि वो जो दर्शन भूमय है, मैं कभी सोच रहा था कि उसके ऊपर हम एक पूरी गोष्ठी कभी रखें या और उसको उसके साथ में वो भी हम जोड़े कि जिसको हम कहते हैं कि संप्रदाय, जिसको क्या एक नाम विशेष उसका टेक्निकल नेम है, जिसको रामानुजादी ने भी किया है कि वो जो संप्रदाय है उनका अलग अलग जो विधाएं हैं, यानी कैसे शुरू से लेकर के, और शायद उसकी वृत्ति में, उस सूत्र की वृत्ति में जो क्षेमराज ने जो कहना था वो और शायद कह सकते थे, काफी दर्शनों को वो जोड़ सकते थे और दर्शनों की विधाओं को जोड़ सकते थे, जैसे चार बाग से शुरू करके जहां तक वो गए हैं, माधव के सर्व संग्रह में जो 16 दर्शन हैं उनमें से एक तो प्रतिविज्ञा है और 3 शैव दर्शन हैं, तो उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो दर्शन है, दर्शनों का जाल है, उनको समाहित करते हुए और अंत में जिस चीज को हमारे परम गुरु महाउपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी कहते थे कि क्या बात वह जो स्थिति है और वहां की ओर, और जो अंत में जो वाक्य कहा प्रोफेसर आंगिरे जी ने, बहुत ही सार्थक है कि ये आने वाले समयों तक शायद इसी करके अब सब चीजों के ऊर्ध्व उठ करके विश्व के बहुत सारे लोग अपने मत मतांतरों को न छोड़ते हुए इसी मार्ग के पथिक हो रहे हैं। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ रशिया में, अमेरिका में, हर स्थानों में जो है, और मैं कई जगह कई बार फेसबुक में देखकर मैं हैरान होता हूँ, कुछ लोग मेरे से जुड़ते हैं, मैं उनके अंदर जाके देखता हूँ, अरे ये तो कश्मीर के भक्त हैं। तो इतनी जी स्थिति है, एक है जिसको अखंड महायोग करके भी गोपीनाथ कविराज ने भी कहा था एक आर्टिकल के अंदर, जिसके ऊपर उनके शिष्य तो नहीं, राधा कृष्ण जी के शिष्य हैं वो, जो कि हमारे यहाँ आए थे व्याख्यान के लिए, क्या मैं जो गुजर गए पंडिचेरी आश्रम में थे पूर्णांग योग केंद्र में, अरविंद हाँ बसु, प्रोफेसर अरविंद बसु, वो भी टीचर है हमारे आचार्य प्रोफेसर सेन शर्मा जी के, तो हाँ उसके ऊपर कई व्याख्यान दिए कई स्थानों पर, तो इन सबको जोड़ करके हम अगर वो देखें, ये जो लास्ट में जो हमारे शिखर के रूप में शिखर पुरुष मिलते हैं, ये बहुत अद्भुत बात हमें देखने को जी मिलेगी, और ये बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ कि डॉक्टर आंगिरस जी ने यह जो कार्यक्रम किया, वस्तुतः तो हमें सुन रहा था उस दिन रस्तोगी साहब को, प्रोफेसर रस्तोगी जी को मैं थोड़े बाद में सुनना शुरू किया, बाद में पूरा सुन लिया, इसी प्रकार डॉक्टर मोतीलाल पंडित जी को थोड़ा बाद में सुनना शुरू किया, फिर पूरा सुन लिया बाद में, तो आज मैं प्रायः शुरू से हूँ, थोड़ी भूमिका के समय में ही मैं आ गया था, और ये बहुत अच्छा लगा, और बीना मैडम ने बहुत सुंदर वो टेक्सुअली वो सब चीजों को, सब बिंदुओं को स्पर्श किया, और वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वो मैं वो कर रहे थे चीति है स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर अभी अंग्रेज जी कर रहे थे, वो चीति कैसे चित्त को अपने अंदर समेटी हुई है, और जब तक चीति ना आ जाए तब तक वो स्वातंत्र नहीं होता है,
ये भी स्पष्ट एक प्रकार से शक्ति सूत्र जो कहते हैं शिव सूत्र के परिपूरक हैं। शिव सूत्र भी एक अद्भुत उदय है, शक्ति सूत्र भी एक अद्भुत उदय है, और ये सारे जैसे उन्होंने कहा कि उनमें से ये हृदय से स्फुरित होते हैं। जब ही आशुतोष जी बता रहे थे कि हृदय से स्फुरित होता है, हृदय से स्फुरित जो शास्त्र ना हो वो नहीं हो सकता है। परिपूरक किसका ना जो सांकरोपनिषद सार प्रत्यभिज्ञा महो दधे है, वो सांकरोपनिषद के रूप में कल कहीं मैं बोल रहा था, मैंने तो कहा कि जो वेद हैं वो भी सांकरोपनिषद है। विद्यातीर्थ महेश्वरम करके आचार्य शायद नहीं कहते, वेदों को छोड़ करके जो लोग मात्र इस शास्त्र में पढ़ते हैं ठीक नहीं है। हमें गायत्री और जो है तांत्रिकी वैदिकी तांत्रिकी दोनों दीक्षाओं को पुरस्कृत करके अगर कोई आगे बढ़े वही सच्चा जो इस पथ के पथिक हो सकता है। उसी दृष्टि में सभी आचार्यों को मैं देख सकता हूँ, और ये बहुत बड़ी परंपरा है, इसको हमें साझा करना चाहिए लोगों के साथ में, और इसके साथ साथ हमें वैदिक मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए, और इसके इसी का ये परिस्फूर्ति है। क्योंकि पांच मुख नहीं आते अथर्ववेद में शिव के तो ये सारा कुछ नहीं बनता, तो इस करके इनका एक वैदिक मूल है और वेद पहले हैं फिर आगम है, और दोनों को मैं श्रुति मानता हूँ। एक नैयमी की श्रुति है, एक आगम की श्रुति है, इस प्रकार हम कहेंगे उनको भी लपेट लेंगे साथ में। श्रवण लोग हैं जिनके जिनको लड़ने के लिए वही आठवीं नौवीं सदी की बात करते थे, कितने आचार्य काश्मीर में हुए हैं फिर बौद्धों को परास्त करने के लिए, और बौद्ध लोग जो है आत्मा को छोड़ के परमात्मा को छोड़ के किस चक्कर में चले गए, और उनकी जो बात की है जो नालंदा तक्षशिला की जो प्रत्येक जो उनके मन के विज्ञान की बात है या शून्य की बात है, उस सबको समेटता हुआ काश्मीर शैव दर्शन प्रत्यभिज्ञान दृष्टि ये उभरती है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपकी जब तक टिप्पणी ना हो मुझे संतोष नहीं होता, मैं बल्कि इंतजार ही कर रहा था आपकी, क्योंकि बहुत सार गर्भित सटीक आपकी हमेशा विद्वतापूर्ण टिप्पणियां होती हैं, प्रामाणिक टिप्पणियां होती हैं, और हमेशा मैं उनकी अपेक्षा भी करता हूँ और बड़ा उनके प्रति सम्मान भी आपके प्रति अभिव्यक्त करता हूँ, और निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और अगर ये संभव हो तो हम भविष्य में कोई इस तरह का एक छोटा सा प्रोजेक्ट लें जहाँ पर कश्मीर शैव दर्शन के केवल शब्दावली और अवधारणाओं को लेकर के हम चर्चा और अधिक करें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी भी प्रिलिमिनरी स्टेज पे रहे हैं हम, लेकिन अगर हम निकट भविष्य में कुछ शब्दों को चुन लें, फिर उसके बाद अगले शब्दों को चुन लें और फिर उन पे और अधिक थोड़ी चर्चा करें, तो मुझे लगता है लोगों तक कश्मीर शैविज्म की बात पहुंचाने में हमें बड़ी सुविधा हो जाएगी, और कई तरह के स्पष्टीकरण भी उससे हो जाएंगे, और भी कई सारे इसके पक्ष निकल सकते हैं कि उन शब्दों को हम सौंदर्य में, समाज शास्त्र में और जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं कैसे उनका प्रयोग करें, इन सारों पर भी हमें निकट भविष्य में चर्चा करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आपके साथ मिलकर के कोई ना कोई इस तरह का हम आगे का कोई प्रोजेक्ट लेंगे और चर्चा इस पे करेंगे। तो संक्षेप में समय क्योंकि लगभग हो गया है, तो इससे पहले कि मैं सुनील जी को आमंत्रित करूं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, यदि किसी की कोई टिप्पणी है या कोई जिज्ञासा है तो कृपया साझा करें। सुनील जी मुझे लगता है कि अभी और कोई शेष नहीं है हमारे पास बातचीत, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे आज के मुख्य वक्ताओं दोनों वक्ताओं का सुरेंद्र मोहन मिश्र जी का और जितने भी हमारे साथ वक्ता जुड़े हुए हैं श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी का आप धन्यवाद करें। नमस्कार डॉक्टर अंगिरथ जी, डॉक्टर बीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी श्रोता आज जुड़े हैं उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल के कुछ अमृत की बूंदे आज आपने सुनी जो डॉक्टर बीना जी ने और डॉक्टर अंगिरस जी ने हम सबके साथ साझा करी। मैं खाली एक श्लोक है आचार्य खेमराज जी का, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। आगादि संशय आम्बोदि समुतरन तारनी वंदे विचरित अर्थ पदाम चित्राम ताम गुरु भारती। कि गुरुओं के ही वाक्यों से जीवन में हम लोग उन्नति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं,
इतना अच्छा संक्षेप में उन्होंने कहा है, बल्कि उत्पल देव जी ने जो कहा और जो आप दोनों वक्ताओं ने कहा कि शैव मार्ग से ही इस संसार के जितने भी कष्ट है उनका निवारण हो सकता है। जैसे कि शिव स्तोत्रावली में उत्पल देव जी कहते दुखन यापी सुखायन्ते विषम आपी अमृतायन्ते मोक्ष याति संसार यत्र मार्ग तो शंकर है। शंकर का मार्ग ही इस संसार से मोक्ष को प्रदान कर सकता है, जहाँ दुख सुख में परिवर्तित हो, जहाँ विष अमृत में परिवर्तित हो। और आप दोनों वक्ताओं ने जिस प्रकार से हमें इससे परिचित करवाया और जिस जो सार खेमराज जी ने अपने जीवन में दिया था, जिन कार्यों में उन्होंने दिया था, और आपने वो हमें सामने एक संक्षिप्त रूप में एक कैप्सूल कोर्स करके हमें सुनाया, उससे हम लोग सभी लाभान्वित होंगे। और मुझे आशा है कि आशुतोष जी आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे कि ये अमृत की जो बूंदे है हम सबको लगातार मिलती रहे और हम भी इस अमृत की बूंदों से अपने जीवन में जितने भी कष्ट है और जो ये संसार माया रूप में हम जो उलझे है उसे भी ऊपर निकले, आगे निकले, और न केवल अपना कल्याण हो बल्कि अपने देश का, समाज का और विश्व का कल्याण कर पाए। इसी से मैं आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं SD कॉलेज जिन्होंने इस आज का कार्यक्रम किया, आयोजित किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं श्रीनगर से जुड़े हुए स्वामी राम त्रिक शैव आश्रम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जम्मू में स्वामी विद्याधर आश्रम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब गुरुओं के आशीर्वाद से ही आज जो कुछ भी संभव हो सका हम लोग कुछ कर पाए हैं, सुन पाए हैं, और इस संतति को हम आगे भी लेते रहेंगे। इसी से मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको खेमराज जयंती की एक बार फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनील जी हाँ जी, आपकी पत्रिका कैसे मिल सकती है? पत्रिका की को मैं चाहूंगी कि मुझे भी पत्रिका प्राप्त हो सके, कैसे मिल सकती है? जी अभी हम आप मेरे को इस कार्यक्रम के बाद में आपसे वार्तालाप कर लूंगा, और अभी क्या हम कोरोना काल के कारण हम लोग PDF में दे पा रहे हैं, तो हम वो PDF की कॉपीज में आपको भेज दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको भेज दीजिएगा, मैं एड्रेस दे दूंगी। जी जी, धन्यवाद सुनील जी, बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ मिलकर के आगे भी इसके कई आयाम हम खोज लेंगे निश्चित रूप से। और आप सबका धन्यवाद मैं इसी बात से करना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता शब्द को लेकर के आज वो ध्यान आ गया कि सत्ता स्वातंत्र और क्रिया स्वातंत्र की उपलब्धि आज खेमराज जयंती पर आप सभी को उपलब्ध हो, और आपकी सारी क्रियाएं जो हैं वो सायास और अनायास दोनों रूपों से सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और सुनील जी, संभव हो तो अगला जो आप मैगजीन का जब निकालें तो उसमें शब्दावलियों को भेजना शुरू करें, ताकि लोग को उपयोग में लाना शुरू करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो पढ़ेगा, तो एक बार वो शब्द जो हैं अगर वो हमारे दैनंदिन प्रयोग में आ जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ जाते हैं, सोशल डिस्कोर्स में आते हैं, तो बहुत कुछ बदलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का, जो लोग हमारे साथ जुड़े फिर बीच में से भी निकल गए हैं, लेकिन उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इन सब बातों को सुना। और लिंक मैंने शेयर कर दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो यदि किसी ने नहीं भरा है तो कृपया उसको भर दीजिए, और उसके बाद आप लोग सभी मीटिंग छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और जल्दी ही दोबारा फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।